हाय बिजबारी एक बार जल्दी से चेक करके बताएंगे इफ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल हाय जी हेलो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू यू प्लीज एक बार चेक करके बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल और इसके साथ साथ में फटाफट से सारे के सारे एस एक बार सेशन को शेयर कर देंगे देखिए मैं भी अपने सेशन को शेयर करके आई हूँ एक बार फटाफट से आप भी सेशन को शेयर करेंगे हाय हाय वैष्णवी हाय प्रीति हाउ आर यू हाय अक्षत हाय रुपेश हाय भव्या हाय पूजा हाय राजीव हाउ आर यू हाय मुकेश कैसे हो अंश क्या हाल है व्हाट्सअप व्हाट्सअप हाय समर्थ हाय स्टडी कैसे हो हिमेश व्हाट्सअप क्या हाल है छवि हर्षिता हाउ आर यू अप हेलो खुशी हाय राहुल हेलो हाय आ जाओ आ जाओ फटाफट से सबको एक बार बुला के लेके आ जाओ आज हम करने वाले हैं सारी पोम्स को कंप्लीट मतलब इंटायर फ्लेमिंगो का जो पोएट्री वाला सेक्शन है आज कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में ठीक है तो आपको पांचों पोम्स आप इस क्लास से निकल रहे होंगे तो आपको पांचों पोम्स को लेकर कोई डर नहीं होगा आपको फिर से उन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी आप चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज लगा लीजिएगा और बस उतने में आपका काम हो जाएगा इसके साथ में बता देती हूँ वो सारे बच्चे जिनको ये टेंशन थी कि क्या होगा उनके पीवाई क्यूज का या यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक जगह नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया एक ड्राइव लिंक के अंदर सारी की सारी चीजें डाल दी है मेरे कम्युनिटी पे अड्डा वाली जो कम्युनिटी है उस पर वो लिंक है और टेलीग्राम पे भी वो मिल जाएगा वहाँ से सब कुछ आप, आपको जो अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर लो बिल्कुल हर चीज़ से मैं स्पैम नहीं करना चाहती थी आपको तो सब कुछ अवॉर्ड मीनिंग से लेके जितने भी जो भी चीज़ें पढ़ाई है ना सब अपलोड कर दिया हाई जी हेलो आर यू हाँ जी हाँ जी वेरी वॉम वेरी वॉम वेलकम थैंक यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार एक बार मेरे को बता दो आज के इस सेशन के अंदर जहाँ हम फ्लेमिंगो पोम्स करने वाले हैं आप पांचों की पांचों पोम्स करने के लिए तैयार हो हाँ जी एक बार जल्दी से हैश तैयार है लिख दीजिए क्योंकि वहीं से हमने हमारी कहानी शुरू करी थी और वही कर रहे हैं ये जो ये जो पूरा बैच है मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आज आप इस क्लास में अगर बैठे हैं तो एक एक मिनट आपके लिए एकदम यूज़फुल हो और आप जब इस क्लास से जाएं तो पांचों की पांचों फॉर्म्स आपके दिमाग में छपी हुई हो बट इससे पहले कि मैं शुरू करूं प्लीज़ एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए सारे एस एक बार प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आ जाएं ओके okay, चलो मैंने भी शेयर कर दिया शेयरिंग इज कैरिंग होता है वैसे भी मैम कितने देर की क्लास होगी अभी देखो शुरू कर रहे हैं ऊपर वाले का नाम लेके जब तक जैसे चलेगी एकदम बढ़िया चला बस ये याद रखना कि आज की क्लास जो होगी इम्पोर्टेंट बहुत होगी है ना शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो यार आज हम पांच पॉर्म्स करने वाले हैं आज हमारी लिस्ट बना लेते हैं एक फटाफट से साइड में ठीक है जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे टिक करते जाएंगे आज हम पांच पोम्स करने वाले हैं। माई मदर एट सिक्सटी सिक्स करेंगे कोशिश यही रहेगी आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना किया जाए और जल्द से जल्द आपको एकदम बढ़िया क्रिस्प तरीके से सब कुछ अच्छे से समझा दिया जाए अच्छा इसके साथ में हम करेंगे कीपिंग क्वाइट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसके साथ में रोड साइड स्टैंड आन जाने फर्स्ट टाइगर्स ये आज का एजेंडा है आज ये जो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं आज इस पीडीएफ से पढ़ा रही हूं इसके अंदर आपके लिए हर एक पोम के नोट्स डाल दिए हैं हर एक पोम के नोट्स डाल दिए जैसे माय मदर एट 66 के नोट्स हैं ठीक है और इसके साथ-साथ में इनके एक्स्ट्राक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं ठीक है ये पीडीएफ जो है इसके अंदर ये दोनों हैं ये भी मैं लिंक पे अपलोड कर दूंगी तो आप पिक कर लेना वहां से तो एक ही पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा करें शुरू माय मदर एट 66 ओके माय किसने लिखी लिखी है दास ने लिखी है ने एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमला दास ओपी कर दीजिए कमला दास ओपी कर दीजिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चलाएंगे आज कोशिश ये रहेगी कि दोनों क्लासेस हो जाएं बाकी तो देखो कितना टाइम कैसे लगता है उस पर डिपेंडेंट है हाँ जी कमला दास ओपी फटाफट से एक एक वर्ड पढ़ोगे आप मेरे साथ में बिल्कुल चिंता मत करो नोट पीछे खुले हुए हैं पर एक एक वर्ड पढ़ोगे आप मेरे साथ में किताब में से किताब खोल लो चाहे तो इसीलिए बोला था आज की क्लास बहुत वैल्यूबल होगी फटाफट से शेयर कर दो मेरे को अभी भी कम शेयर्स दिख रहे हैं ओके okay, कमला दास ने इस पोम को लिखा है माय मदर एट 66 और इस पोम की शुरुआत वो करती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग से वो कहती हैं कि पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब मैं अपने माता-पिता के घर से कोचिंग की तरफ ड्राइव कर रही थी आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एश लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन जब वो जा रही थी कोचिंग की ओर तो वो अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही थी और जब वो अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही थी तो देखते हुए एक एक तरफ वो अपनी मम्मी को बाजू में बैठे हुए देखती है और जब वो अपनी मम्मी की ओर एक बार देखती है तो उनका फेस उन्हें बड़ा डिफरेंट लग रहा होता है देखो यार इस जीवन के अंदर इस बात को रियलाइज कर पाना कि हमारे मॉम डैड हम लोगों के साथ साथ बढ़ रहे हैं मतलब अगर आपकी एज बढ़ रही है तो उनकी एज भी बढ़ रही है और वो जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना ही वो अपने लाइफ के दूसरे स्टेजेस की तरफ जाते जा रहे हैं इस चीज को ना हम लोग बच्चे कभी भी आ, आ, यू नो रियलाइज नहीं करते हैं या फिर मैं ऐसे कहूँ कि हम रियलाइज करना नहीं चाहते हैं। हम कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं करना चाहते हैं हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार आ, आ, पेरेंट्स की बढ़ती एज को कौन देखता है हा? क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद में क्या होने वाला है बट यहाँ पर जब कमला दास की नजर उनकी मम्मी पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि उनकी मम्मी अफकोर्स झपकी आ गई थी उनको क्योंकि वो वहां पर बैठी हुई है बैठे बैठे वैसे झपकी ले रही है अब झपकी लेते लेते ना उनका मुंह खुला हुआ है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे हेल्थ इशूज आने लग जाते हैं और रेस्परेशनल इशू एक बहुत ही कॉमन इशू होता है सांस अच्छे से नहीं आ पा रही होती है तो ऐसे में वो मुंह खोल एकदम सांस ले रही थी और जब वो मुंह खोल के सांस ले रही थी तो उनकी उन, उनकी फेस पे उनकी नजर पड़ी तो कमला दास ने देखा कि उनका फेस एकदम फीका पड़ गया यार देखो जवानी के दिनों में हमारे फेस में कलर्स होते हैं आज जैसे जिन जो बच्चे ऐसे कहते हैं या जो लोग ऐसे कहते हैं यार मेरे फेस पे ये कलर है वो कलर है देखो यहाँ से डिस्कलरेशन हो रहा है या फिर धूप में काला हो गया है फेस हाँ, इस तरीके से हम लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं ये सारे जो कलर्स है अपने आप में बहुत ब्यूटिफुल है और ये ऐसे कलर्स है जो हम लोगों की यूथ को दिखाते हैं क्योंकि जब आ, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ओल्ड एज और एजिंग के साथ साथ में ये सारे कलर्स फेड होते जाते हैं जैसे कमला दास की मम्मी के फेस से हो गए उनकी मम्मी का फेस जो है वो इस तरीके से फीका पड़ गया था मानो जैसे एश हो राख हो और ये इतना फीका लग रहा था बिना कलर के लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का फेस हो एक डेड बॉडी होती है एकदम पीली पड़ जाती है एकदम फीकी पड़ जाती है उसमें कोई भी खून का दौरा नहीं हो रहा होता है इस वजह से वो एकदम पीला सा आ, आ, कलर हो जाता है बॉडी का तो उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को डेड बॉडी के साथ में कॉर्प्स यानी डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया और बोला एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड और तुरंत मैंने रियलाइज कर लिया कि यार मेरी मम्मी तो एक्चुअली ओल्ड हो गई है हम लोग कभी भी ये चीज रियलाइज नहीं करना करना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड हो रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद क्या होगा है ना ऐसा ही है ना बट यहाँ पर उन्होंने देखा कि यार मेरी मम्मी तो 65 की है 66 की है तो 66 की लग भी रही है हो गई है वो 66 की इसीलिए उन्होंने टाइटल भी लिखा है माई मदर एट सिक्सटी ठीक है तो उन्होंने बोला कि वो एकदम वैसी लग रही थी और ये रियलाइज करना कि वो ओल्ड हो चुकी है सिक्सटी की हो गई है बहुत ही पेनफुल था हो चुकी है, हो चुकी है, के सारे दिख रहे हैं तो उन्हें पता है की अब तो वो टाइम आ जाएगा जब शायद हो सकता है मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली जाए कोई भी नहीं चाहता है कि उनके लव उन्हें छोड़ कर जाए खास करके हमारे पेरेंट्स है ना खास करके हमारे पेरेंट्स हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं हमारी जिंदगी को हमारे पेरेंट्स के बिना तो यहां पर ऐसा ही था ये भी इमेजिन नहीं कर सकती थी अपनी जिंदगी को अपनी मम्मी के बिना जैसे ही एक मिनट वो नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आता है कि शायद मैं मेरी मम्मी के बिना रह, रहूंगी शायद मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो उस नेगेटिव थॉट को वो अपने दिमाग पर हावी नहीं होना दे, देना चाहती है और तुरंत अपने आप को क्या कर देती है बच्चों डिस्ट्रैक्ट कर देती है तुरंत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देती है अपने दिमाग से उस थॉट को हटा

ट्रीज स्प्रिंटिंग क्योंकि कार आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है तो पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं वैसे पेड़ भागते नहीं है पर यहाँ पर पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं इसको वो टाइम के साथ यूथ के साथ एज के साथ डिनोट करती हैं वो कहती हैं कि कैसे ये टाइम गुजर गया कैसे ये टाइम गुजर गया कैसे अभी तो मैं मेरी मम्मी के साथ खेला करती थी अभी तो मेरी मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया करती थी और कैसे वक्त मेरे सामने गुजर गया जैसे कि ये पेड़ भाग रहे हैं कैसे टाइम भाग गया कैसे मेरी मम्मी का यूथ जो है वो चला गया मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई और एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी उसके बाद दूसरी चीज उन्हें जो दिखती है वो है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग एकदम खुश खुश अच्छे खेलते कूदते बच्चे जो है वो अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे थे जो उनकी मम्मी के टोटल कॉन्ट्रास्ट में थे उनकी मम्मी के टोटल में नाखुश थी एनर्जी नहीं, नहीं था नहीं था, था। जबकि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे खूबसूरत अपने जिंदगी के पहले स्टेज पे हैं बड़े खूबसूरत बच्चे बड़े खुश फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ विगर एंथुजियाजम से भरे हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर आ रहे थे तो यहां पर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है कि देखो मेरी मम्मी ऐसी दिखती है देखो मेरी मम्मी ऐसी दिख रही थी वो इतनी ओल्ड थी इतनी डल थी थी इस तरीके से वो कर रही थी, इस तरीके तरीके से से वो कर रही उनके अंदर एनर्जी नहीं थी जबकि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं ये अपने जिंदगी की पहले स्टेज में है एक तरफ दिख रहे हैं बच्चे जो जिंदगी के पहली स्टेज में है और दूसरी तरफ दिख रही है मम्मी जो कि जिंदगी के ओल्ड एज में आ चुकी है और इसके बाद में अब वो हमें छोड़कर चली जाएंगी तो उन्होंने बाहर इसलिए देखा था कि उनका पेन कम हो जाएगा उल्टा हुआ क्या उन्हें और ज्यादा पेन महसूस हुआ इस पर क्वेश्चन आता है, मतलब है डेड बॉडी पेल का मतलब होता है पीला बिना किसी कलर के ठीक है तो उन्होंने ये बोला अब इन दो में इन दोनों चीजों के अंदर जो लिटरी डिवाइस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा परसोनिफिकेशन वैसे तो ट्रीज भागते नहीं है पर ट्रीज को भागा हुआ दिखाया है तो यहाँ पे परसोनिफिकेशन मौजूद है है ना जब भी हम कोई एक ऐसी चीज को जो इन एनिमेट होती है उसमें ह्यूमन क्वालिटी डालते हैं तो उसे हम परसोनिफिकेशन कहते हैं दूसरा मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इमेजरी भी क्योंकि वो बच्चे बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ आपको यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है मेरी चिल्ड्रेन और मम्मा के बीच में तो ये कॉन्ट्रास्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद क्या होता है इसके बाद वो आगे बोलती है आउट ऑफ देअर होम्स बट आफ्टर दोर्ट सिक्योरिटी चेक अपने अपने घरों से वो बाहर आ रहे थे मैंने उन्हें देखा और मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई जब मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी तो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद में देखो सिक्योरिटी चेक तक ही लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं उसके आगे वो नहीं आ सकते तो बोला सिक्योरिटी चेक के बाद में मैं कुछ यार्ड्स कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी आई लुकड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड बच्चों क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब दूर जा रहे होते हैं किसी अपनेवेल तो तो है। है। देने का मन करता ही है कि जाने से पहले एक बार और देख लिया जाए तो ऐसा ही कुछ कमला दास ने किया था कमला दास जैसे ही सिक्योरिटी चेक से आगे गई तो उन्होंने एक बार फिर से मुड़कर जो है वापस से अपनी मम्मा को देखा इसके लिए वो मुड़कर अपनी मम्मा को देखना चाहती थी ताकि एक बार फिर से अपनी मम्मी की इमेज को अपनी आंखों में कैप्चर कर ले तो जब उन्होंने मम्मी को देखा तो उनकी मम्मी का फेस फिर से उन्हें डल दिखा उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को डिस्क्राइब किया है वर्ड्स के साथ में जैसे कि वेन और पेल वेन और पेल दोनों का ही मतलब डल कलरलेस या फीका होता है ठीक है तो उनका फेस था वेन और पेल डल था कलर लेस था, फीका था और उन्होंने अपनी मम्मी के फेस की उनकी उनकी अपियरेंस की डलनेस को कंपेयर किया है सिमिली का इस्तेमाल करके कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून के साथ में बच्चों लेट विंटर्स मून हमारे लिए कैसा टोन सेट करता है हाँ लेट विंटर्स मून जब हम पढ़ते हैं तो कैसा टोन सेट होता है लेट आधी रात हो गई विंटर यू नो पूरे सीजन साइकिल का आखिरी सीजन है मून दिन में दिन खत्म हो जाता रात की जो होती है वो मून से होती है तो जब हम लोग लेट विंटर्स मून सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही डार्क या हम कह सकते हैं मूड जो है वो बहुत ही मेलिटली बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ये एंड की तरफ लेकर जाती है डेथ की तरफ लेकर जाती है तो यहां पर वो कंपेयर करती है अपनी मम्मी के फेस को वो कंपेयर करती है अपनी मम्मी के अपियरेंस को लेट विंटर्स मून के साथ में क्योंकि आधी रात में जब सर्दियों के चांद को आप देखोगे तो वो धुंध और कोहरे की वजह से फेड होता हुआ नजर आएगा धुंधला होता हुआ नजर आएगा और थोड़ी देर के अंदर वो बादलों के पीछे या उस गहरी धुंध के पीछे छुप जाएगा तो उन्होंने अपनी मम्मी के अपियरेंस को उसी के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि मेरी मम्मी उतनी ही फेडेड दिख रही थी उनके फेस पे अब वो ब्राइटनेस नहीं थी उनकी अपीयरेंस में वो ब्राइटनेस नहीं थी जैसे कि शायद समर के मून में होती है उनका उनका फेस इतना डल हो गया था इतना फेड हो गया था ऐसा लग रहा था कि अब वो गायब हो जाएगा जैसे कि मून छुप जाता है क्लाउड्स के पीछे फॉग के पीछे वैसे शायद उनकी मम्मी भी वहां से चली जाएंगी वो अपनी मम्मी से अपने सेपरेशन के बारे में यहां बात कर रही है इसके बाद में या सिमली का उन्होंने इस्तेमाल किया है इसके बाद वो बोलती हैं कि जैसे ये चीज मैंने रियलाइज की ना एक ओल्ड फेमिलियर एक फील हुआ एक का मतलब होता है दर्द ओ हो हो हो, हो, हो एक ओल्ड फेमिलियर यानी जाना पहचाना पुराना दर्द मुझे महसूस हुआ बच्चों एक बार भी जब हम अपने पेरेंट्स को खोने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जाना पहचाना दर्द है क्योंकि बचपन में हमें जब स्कूल जाना होता था तो हम बहुत रोते थे हमें अपने

उनको फिर से फील हुआ उन्होंने इस ओल्ड फेमिलियर एक को जोड़ा है माय चाइल्डहुड्स फियर से उन्होंने कहा मेरे बचपन के डर को ये ताजा कर रहा है मैं बचपन में सोचा करती थी कि मैं मेरी मम्मा से अलग हो जाऊंगी मैं सोचा करती थी कि मेरी मम्मा मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी और अभी ये जो हो रहा है मेरा बचपन का डर जो है यहां ताजा हो रहा है इसकी वजह से डर किस चीज का डर अपनी मम्मा को खो देने का अब बच्चों एक चीज तो मेरे ख्याल से आप लोग सब अग्री करोगे और वो ये है कि जब ना आप खुश होते हो है ना आप बहुत खिलखिला रहे हो मुस्कुरा रहे हो आप बहुत ज्यादा खुश हो तो ऐसे में हमेशा आपके पेरेंट्स को अगर आप देखोगे ना तो वो दुगना वो तीन गुना हो सकता है कि दस गुना ज्यादा खुश हो आपको खुश देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पे अगर आप सैड हो अगर आप उदास हो आप होपलेस फील कर रहे हो आप रो रहे हो तो वो आपसे दस गुना ज्यादा सैड हो जाते हैं यार एक बार को तो हम लोगों को कभी कभी ये बात समझ नहीं आती हमें ना उनका ये जो प्यार है ये समझ नहीं आता पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ हम ये चीज रियलाइज करना चाहते हैं तो कैसे अपने आंसू छुपाना सीख जाते हैं है ना कितनी बार ऐसा होता है कि अंदर से बहुत उदास होते हैं पर अपने आंसू छुपा देते हैं क्योंकि मम्मी पापा को नहीं बताना चाहते हैं वो और ज़्यादा उदास हो जाएंगे वो हमें सैड देखेंगे तो वो और ज्यादा सैड हो जाएंगे कमला दास ने भी वही किया ये अडल्टिंग क्या चीज़ है यार हमें क्या क्या छुपाने पर मजबूर कर देती है हाँ अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने खुद के ओरिजिनेटर्स अपने माता पिता को हम नहीं बता पा रहे होते हैं कमला दास यहाँ पर बहुत डरी हुई थी अंदर से बहुत पेन में थी उसके बावजूद अपनी मम्मी को गले लगकर ये नहीं बता सकती थी कि मैं डरती हूँ आपको खोने से मुझे बहुत पेन फील हो रहा है यहाँ से जाने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मम्मी भी और ज्यादा दुखी हो जाएंगी वो और शायद रोने लगेंगी इसीलिए उन्होंने मालूम है क्या किया? एक खोकली स्माइल मुंह पर डाली एक खोखली एकदम ऐसे होता तो है जबरदस्ती तो क्लास की फोटो नहीं होती है हा? क्लास की फोटो होती है ना कि क्लास को साथ में बिठाकर फोटो क्लिक कराई जाती है उसके अंदर हम एक खोखली स्माइल कर रहे होते हैं तो कमला दास ने भी एक्सैक्टली exactly वही वाली स्माइल अपने फेस पर डाली और अब बहुत ही चेयरफुल बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ में अपनी मम्मी को गुड बाय कहा सी यू सून अम्मा बोला मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अम्मा मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलने वाली हूं सो so, उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा ऑल आई सेड वॉस बट ऑल आई को कमला रिपीट किया है ताकि आपको और हमें समझ में आ सके कि ये स्माइल खोखली है ताकि हमें समझ में आ सके कि एक हॉलो स्माइल है जो कमला दास सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो क्या करना चाहती है अपनी मम्मी को दुखी नहीं देखना चाहती तो पे 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 ये जो smile word का हुआ हुआ है, वो इस करने करने के लिए, इसकी पे emphasize करने के लिए, लिए इसकी रीड कर लीजिए तो और सही हो जाएगा इसके साथ में कुछ एक चीज आपको नोट करनी है तो साइड में प्लीज नोट कर लीजिए सबसे पहली चीज नोट कीजिए कि इस पोम की खास बात है इसका एंजैबमेंट ये जो पोम है ये पोम एक बार में लिखी गई है इसके अंदर कोई भी फाइनल पंचुएशंस नहीं है कोई भी फाइनल पंचुएशन नहीं है कोई फुल स्टॉप कोई एक्सक्लेमेशन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा आपको ये एक ही बार में लिखी गई पोम है पहली बात तो ये दूसरी बात एक ही आइडिया को चौदह लाइन्स के अंदर डिवाइड किया गया है चौदह लाइन्स में एक ही आइडिया को डिवाइड किया गया ये इसकी नेक्स्ट खास बात है तीसरी खास बात इसकी यह है कि एक सिंगल सेंटेंस की पोम है

मेंशन कर दोगे अगर माय मदर एज सिक्सटी से क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में इस चीज को मेंशन कर दोगे तो टीचर एग्जामिनर इम्प्रेस होगा ही ना हाँ तो जो चीजें बताती जा रही हो जो जो चीजें एक्स्ट्रा तुम लिखते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो उन्हें इंट्रोडक्शन में अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना क्योंकि अगर तुम्हें पता है तो टीचर को कैसे पता चलेगा तुम्हें पता है जब तक तुम लिखोगे नहीं है ना तो जरूर मेंशन करना ये एकदम इंप्रेस हो जाएंगे एग्जामिनर इससे मैं कुछ डाउट देख लेती हूँ पोम से आते हुए जब तक आप ये तीसरा नहीं नहीं रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है आ, तीन बार स्माइल इसके लिए किया पोएट ने ताकि वो आपको अपनी स्माइल की हॉलोनेस के बारे में बता सके बता सके कि उनकी स्माइल कितनी ज्यादा हॉलो थी वहां पे स्माइल 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 के अंदर रेपिटेशन मौजूद है यहां पर आपको रेपिटेशन देखने को मिलेगा वर्ड को रिपीट किया जा रहा है तो वर्ड को रिपीट किया जा रहा है इसीलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि उस पर इम्फोसाइज किया जा सके आपको ये बताया जा सके कि भाई ये मैं जो फील कर रही हूँ ये असली स्माइल नहीं है यह हॉलो स्माइल है नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हॉलो स्माइल है हमें नहीं पता चलेगा ना ऑल राइट right. ओके okay, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा मूड जो है ये एकदम एंड तक जाते जाते बहुत ही वाला सेट कर देती है पोम बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो 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 मेरी बात सुनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है आखिरी टाइम से वो ये है कि पोएट जब अपनी मम्मी को फेयरवेल बिड करती है तो वो कैसा फील कर रही होती है है ना <coughs>

वो अंदर से पेन में फील कर रही है डरा हुआ फील कर रही है पर वो फेयरवेल कैसा दे रही है चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक ये बात याद रखना बाकी इसके ज्यादा और कोई आ, ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है ठीक है डन है चलो इसके बाद में आने वाले जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर अटैच है डोंट वरी तो आप बिल्कुल इनको देख सकते हो आ जाते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट पोम पे जो कि की है कीपिंग क्वाइट लिखा है पैबलो नेरुदा ने जल्दी से पाब्लो नेरुदा ओपी कर दो जल्दी से एक तो फटाफट से पाब्लो नेरुदा ओपी करोगे दूसरा फटाफट से पानी की बॉटल उठाकर थोड़ा पानी पियोगे और शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट पोम कीपिंग क्वाइट फटाफट फड़ से शेयर भी कर देंगे यार सेशन को ताकि बाकी बच्चे भी आ जाए ज्वाइन कर लें मजा आ जाता है एकदम आपको यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हुए देखते हैं क्योंकि आप आखिरी टाइम पे तो इंग्लिश पढ़ रहे होते हो ठीक है एकदम आखिरी टाइम पे आकर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हम तो साल भर से पढ़ा रहे होते हैं आपने आखिरी टाइम पर इंग्लिश उठाना है तो कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता दिया जाए कि पेपर कैसा आता है क्या लिखना है कैसे लिखना है क्या इंटरप्रिटेशन है सही तरीके की जो नॉलेज अगर वो जाती है आप लोगों तक तो मेरे ख्याल से मार्क्स कटने का मतलब ही नहीं है कोई क्या होता है ना नहीं तो इंग्लिश को एकदम एक स्टोरी के फॉर्म के अंदर बताकर नकी हो जाता है मामला पर ऐसा नहीं है जिस तरीके के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं आपको बहुत सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए तो एक बार जरूर शेयर कर देना सेशन को यार ओके okay, आ जाते हैं कीपिंग क्वाइट पे जिसे लिखा है पैब्लो नरूदा ने पैब्लो नरुदा यहाँ पर इस, तो, इस जो पोम है इस पोम के थ्रू ट्रैक्लिटी को फैलाना चाहते हैं ट्रेंक्यूलिटी या फिर पीस की बात करते हैं तो वो ट्रैंक्यूलिटी और पीस को फैलाना चाहते हैं अपने आ, रीडर्स के अंदर ये जो पोम है ये पोम किस टाइम पे सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है ना जब भी आप किसी पोम को पढ़ते हो तो आप उसे तुरंत जज कर लेते हो अब चाहे वो आपका पाब्लो नेरुदा की पोम कीपिंग क्वाइट हो या आंट जेनिफरस टाइगर्स जो कि एड्रिन रिच ने लिखी हो आप तुरंत जज कर लेते हो अरे मैम आजकल के दुनिया में ऐसा कहाँ होता है मैम अब ऐसा कहाँ होता है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये पोम आई कहां से तो ये पोम जो है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेट है ठीक है जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर परिवार वाले लोगों को खोया अपने अपने देश के लोगों को खोया ना जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कितनी सारी चीजें जो है वो खराब हुई देखो बेटा वॉर सिचुएशन किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है चाहे आप जीतो चाहे हारो और वॉर सिचुएशन जो होती है ना वो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर करके जाती है इतना ज्यादा गहरा असर करके जाती है कि आपके लिए पीस में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है यहाँ पर एग्जैक्टली exactly यही हुआ है पैबलो नेदुदा के साथ में भी जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन देखा वर्ल्ड वॉर टू देखा तो उसके बाद में ये यहाँ पर आए हैं हमारे सामने इस पोम को लेकर ये गुहार लेकर कि अब तो प्लीज रुक जाओ यार आपने इतनी तबाही मचा ली है इतनी तबाही मचा दी अब प्लीज रुक जाओ अब और डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है माफ कर दो प्लीज इंसान इनको इंसानियत को माफ कर दो धरती को माफ कर दो लोगों को माफ कर दो अब रुक जाओ थोड़ा तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि कैसे पैबलो नरुदा की जो पोम है ये पोम कहीं ना कहीं एक तरीके की रिक्वेस्ट की तरह है कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वॉर को ना अडॉप्ट करके डिस्ट्रक्शन को ना अडॉप्ट करके हम कैसे पीसफुल पाथ को अडॉप्ट करके और यू नो ट्रांक्यूलिटी को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अब बच्चों ये होना इतना आसान नहीं है ये इतना आसान नहीं है इतना ज्यादा ट्रेंक्यूलिटी ट्रैंक्यूलिटी के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस फॉलो करना होता है सेल्फ एग्जामिन करना होता है अपनी अंतरात्मा को पहचानना होता है अपने अंदर झाँक कर देखना होता है अपने जीवन में अपने पर्पज को जानना होता है ये महसूस करना होता है मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मेरे जीवन का पर्पज क्या है तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट हमें वही सिखाएगी कि कैसे इंट्रोस्पेक्ट करना है और ट्रैंक्यूलिटी अचीव करनी है ओके okay? ऑल राइट चलो उंट एंड वी विल ऑल की हम लोग बारह तक काउंट करेंगे और हम सब रुक जाएंगे बच्चों यहाँ पे ट्वेल्व का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है क्योंकि 12, 12 जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो ये कहते हैं कि हम लोग स्टिल हो जाएंगे यानी हम सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने अंदर जा कर देखेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए सबको अपना अपना टाइम लगेगा कुछ लोग अपने आप को कुछ मिनटों के अंदर समझ जाएंगे कुछ लोगों को कुछ दिन लगेंगे वीक्स लगेंगे महीने लगेंगे साल लगेंगे तो अपना अपना टाइम लो और अपने अपने टाइम के अनुसार क्या करो इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दो on earth, language, करना चाहिए कि किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए बच्चों आप जब एस एस टी पढ़ा करते थे या अभी भी आप में से कुछ अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े वॉर्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो गए हैं इस वजह से हो गए हैं क्योंकि कोई एक यू नो कंट्री जो है ये अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर प्रूव करने के लिए या फिर किसी कंट्री के अंदर कोई एक सेक्शन जो है वो अपने आप को सुपीरियर और मेजोरिटी में प्रूव करने के लिए अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाई करने लग जाता है तो लैंग्वेज जो है वो हम लोगों के अंदर बंटवारा करती है इस लैंग्वेज की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो चलो फिर एक बार के लिए कोई भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करते हैं लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं इस रेस में में आप और हम, भाग हम क्यों भागते रहे जितना कि हम कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए पोएट यहाँ पे आर्म्स वर्ड की मदद से पन को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आर्म्स की मदद से एक बात में दो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपने हाथों को जो तुम डिस्ट्रक्शन के लिए उठाते हो अपने इन हाथों को जिससे तुम सामने वाले को डिस्ट्रॉय करते हो किसी इंसान को खत्म करने के लिए उठाते हो बंद कर दो इन हाथों को यूज करना बंद कर दो अगर ये हाथ किसी के डिस्ट्रक्शन में उठते हैं दूसरा मीनिंग जो आर्म्स का है वो है वेपन्स कि ये जो हैूंज है ना है ये अब नहीं बर्दाश्त होती है इन वेपन्स को यूज करना बंद कर दो ह्यूमैनिटी को खत्म करना बंद कर दो इस डिस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को खत्म कर दो ठीक है तो यहां पर उन्होंने यह चीज बताई है कि किस तरीके से हम लोगों को ना तो किसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए और ना ही अपने कोई एक्टिविटी करनी चाहिए जो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन का काम करे बच्चों जब हम लोग इस राह पे चलेंगे कौन सी राह पे इंट्रोस्पेक्शन की कौन सी राह पे कॉमेंट सेक्शन में बताओ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे यहाँ पे तो इतनी सीरियस बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि आ, अपने हाथों को डिस्ट्रक्शन के लिए मत उठाओ ठीक है किसी को ख़त्म मत करो वेपन्स मत चलाओ हाँ आर्म्स को यूज मत करो इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट <laughs> सेक्शन में मेरे को नाम नहीं दिखा बच्चे का एक बच्चा लिख रहा है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर क्या होगा तुम लोगों का कैसे पास होगे तुम लोग तुमसे मूड पूछेंगे कि पोएट का मूड क्या है हाँ कि पोएट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आर्म्स को यूज ना करने के लिए तुम तुम क्या बोलोगे <laughs> अरे यार <laughs> सुधरोगे कि नहीं चलो ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं हम बॉम का ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वो आर्म्स का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन नहीं करना है ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे सामने वाले को डिस्ट्रॉय करे आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है हाथ हाथ काटने नहीं है किसी के <laughs> अच्छा जब ना इंट्रोस्पेक्शन की राह पर हम चलेंगे तो ऐसे में क्या होगा हम लोगों को रियलाइजेशन होगी किस चीज़ की रियलाइजेशन दो चीज़ों की रियलाइजेशन तो पक्की है पहली वो डिस्ट्रक्शन जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं हम कैसे दूसरे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए उन्होंने फिशरमैन का एग्जांपल लिया है उन्होंने कहा जब इंट्रोस्पेक्शन की राह पे हम चल रहे होंगे तो ऐसे में फिशरमैन जो है जो कोल्ड सी में एकदम ठंडे पानी के अंदर उतरा है ठीक है वो फिशरमैन जो ठंडे पानी में उतरा हुआ है कोल्ड सी में उतरा हुआ है सिर्फ इसके लिए कि वो कर दे वेल को, कि वो 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 कर दे को को करने जा रहा है वो भी रियलाइज करेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं वो रियलाइज करेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं मैं क्यों खत्म कर रहा हूँ किसी दूसरे प्राणी को मैं कैसे नेचर को कैसे मरीन लाइफ को खत्म कर रहा हूं अपने लिए फिर उन्होंने बोला कि दूसरी चीज जो आप रियलाइज करोगे वो ये रियलाइज करोगे कि आपने अपने आप को उसका ध्यान उसके हाथों पे जाएगा तभी जाकर उसे उसके हाथ नजर आएंगे कि कैसे नमक से उसके छिल गए अब यार आपके दिमाग में एक सवाल आएगा तो फिर मैम मछुआरा मछली से प्यार करेगा तो खाएगा क्या और मैम जो इंसान नमक इकट्ठा करके बेच रहा है उसकी रोजी रोटी नमक से ही चल रही है अगर वो नमक इकट्ठा नहीं करेगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी पैबलो नरुदा यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अरे रे नहीं मछुआरे को मछली से प्यार करना चाहिए मछली को नहीं मारना चाहिए या फिर एक ऐसा इंसान जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसे नमक इकट्ठा नहीं करना चाहिए यार हम सबका जो है हम सबका जो है एक काम है जो हमें करना ही पड़ता है जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है बट पैब्लो ना कह रहे हैं इस काम के बारे में आपके दिमाग में आपके ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना आप जो कर रहे हो उसको समझ के और फिर करने में, और ब्लाइंडली बस माइंडलेसली किसी चीज को करने में डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का पर्पस क्या है और क्या वो पर्पस किसी और को या खुद को डिस्ट्रॉय करे बिना फुलफिल हो सकता है अगर ऐसा है तो वही करना चाहिए अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा काम करना बंद कर दूं पर मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम एक बार अपना तो ख्याल कर लो एक बार अपने बारे में सोचो एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिसे तुम डिस्ट्रॉय जिन्हें तुम डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो तो ऐसे में ऐसे में उन्होंने कहा कि जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे तो उस फिशरमैन को याद आएगा कि वेल्स को हार्म नहीं करना है उस इंसान को याद आएगा कि अपने हाथों में इतने छाले पड़ गए हैं इकट्ठे कर करके नमक को और उन लोगों की भी आंखें खुलेंगी प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर उन लोगों की भी आंखें खुलेंगी जो लोग ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं वो लोग जो इन्वायरमेंट के खिलाफ आप एक वॉर कर चुके हैं ऐलान कर चुके हैं जंग का हमें ऐसा लगता है कि हम लोग तो मदर अर्थ को हरा ही देंगे और हरा ही रहे हैं तो ऐसे लोग जो एनवायरमेंट के खिलाफ एक जंग शुरू कर चुके हैं शायद वो भी रुकेंगे और रुकेंगे वो लोग जो वॉर्स विद गैस यानी पल्यूशन के माध्यम से एक जंग छेड़ चुके हैं जिन जो पल्यूशन फैला रहे हैं जो हम लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर रहे हैं रुकेंगे वो लोग जो कि वॉर्स विद फायर यानी कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ गोला बारूद से लड़ाई या जंग को शुरू कर चुके हैं और पता है ये लोग को रुक कर क्या रियलाइज होगा इन्हें ये रियलाइज होगा कि शायद इन्वायरमेंट के खिलाफ पॉल्यूशन के साथ में ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये जंग जीत जाएंगे शायद इनकी विक्ट्री तो हो जाएगी पर ऐसी विक्ट्री का ये क्या करेंगे जिस विक्ट्री में सर्वाइवर्स ही नहीं होंगे ऐसी विक्ट्री का क्या जिसमें पीछे कोई आपका स्वागत करने के लिए भी नहीं रहेगा तो जीत तो जाओगे तुम पर पीछे ताली बजाने वाला भी कोई नहीं होगा वो कहते हैं जब ये रियलाइजेशन उनके अंदर आएगा ब्रदर्स आप में से कितने बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं कितने बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं पुलिस मैन बनना चाहते हैं लॉयर्स बनना चाहते हैं आपको पता है कि ऐसे कुछ प्रोफेशन होते हैं जो एक यूनिफॉर्म के साथ आते हैं एक वर्दी के साथ आते हैं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं देश की सेवा करना चाहते हैं आपको पता है कि आप एक वर्दी पहन रहे होंगे आप एक यू नो एक ऐसा कपड़ा पहन रहे होंगे जो आपके प्रोफेशन के साथ में आपकी सर्विस के साथ में जुड़ा होगा और जब वो कपड़ा आप पहनेंगे तो आप उस सर्विस के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे पर जब वो कपड़ा खून से सना हो तो फिर शायद आप खून के सिवा भी कुछ नहीं सोचेंगे तो पोइट कहते हैं ये लोग जो है इनके हाथ तो खून से रंगे ही रंगे हैं पर इनके कपड़े भी खून से रंगे हुए हैं इनकी मेंटालिटी में खून आ गया है ये दू, दूसरे इंसान को मारने के सिवा कुछ नहीं सोच रहे हैं आज जब इनका इनकी आंखें खुलेंगी जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे तो शायद इनके ये खून से सने हुए कपड़े भी बदलेंगे यानी शायद ये नए कपड़े यानी नया माइंडसेट भी अडॉप्ट करेंगे एक नई मेंटालिटी भी अडॉप्ट करेंगे शायद इन्हें ये रियलाइज होगा कि हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और शायद फिर ये करना ये इस तरीके से लोगों को डिस्ट्रॉय करना हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना छोड़ देंगे ऐसा बोला पोएट ने क्लीन क्लोथ्स का मतलब है नया अप्रोच नया मेंटालिटी एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग और फिर ये अडॉप्ट करेंगे ब्रदरहुड की यू uh, नो you know, उसको ब्रदरहुड uh, uh, के आइडिया को अभी तक ये लोग लो, लो लड़ रहे थे ये देश मेरा है ये देश मेरा है ये जमीन का टुकड़ा मेरा है ये जमीन का टुकड़ा तेरा है करके पर जब इनके दिमाग में ये चीज आएगी कि हम लोग सब ह्यूमंस हैं और इस लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं होगा तो शायद ये लोग ब्रदरहुड के आइडिया को अडॉप्ट करेंगे एक ब्रेदरिन बना के हाथों में हाथ डाल के उस एक छत के नीचे जो सबकी है जो सबको प्रोटेक्ट कर रही है एक साथ चल रहे होंगे तो पोएट यहाँ पर इसके थ्रू क्या आ, आ, हाईलाइट करना चाहते हैं फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हाईलाइट करना चाहते हैं अब क्या हुआ ना मैंने यहाँ पर इतनी अच्छी बात पैबलो नरुदा की बता दी तो है ना त्रि, त्रिपाठी जी जी त्रिपाठी जी ने सोचा बोला आज तो भाई नहीं पड़ेगा आज तो हम नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे क्योंकि मैम ने बोला कि एट फाइव स्टार एंड डू नथिंग है ना तो ऐसा हो गया तो ऐसा जैसे पोम पढ़ के आपको महसूस हो रहा है ना कि एंड डू नथिंग ऐसा ही कुछ पैबलो नेरुदा को पहले ही पता चल गया था ठीक है पहले ही पता चल गया था उन्हें पता था कि तुम यही समझोगे कि इस के थ्रू पैसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं तुम्हें यह लग रहा होगा कि पैबलो नरूदा इस पोम के थ्रू लथार्जी को प्रमोट कर रहे हैं बैठे रहो आराम से क्या पढ़ना है क्या एग्जाम देना है मम्मी क्या करूँगा एग्जाम देकर इस दुनिया के अंदर क्या रखा है इसीलिए उन्होंने आकर स्पेशली तुम्हारे लिए बोला है पड़े हुए हो कि नहीं आज तो कुछ काम ही नहीं करना पैब्लो नहरुदा जी ने कहा कि कुछ काम नहीं करना कोई लैंग्वेज बात भी नहीं करनी पैब्लो नहरुदा कहते हैं मेरी बातों का उल्टा मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी को एडवोकेट या प्रमोट करने नहीं आया हूं लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट अरे जीना चलने का नाम है जीवन चलने का नाम है लाइफ इज इज इट अबाउट जिंदगी चलती रहेगी आज तुम अगर डिसाइड भी कर लोगे रुकने का अगर तुम डिसाइड भी कर लोगे कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है हाँ तब भी जिंदगी तो वैसे ही चलती रहेगी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकेगी तो मैं भी नहीं रोकना चाहता हूँ जिंदगी को मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हो उनसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए तो वो एक्टिविटीज अच्छी भी हैं तुम जो एक्टिविटीज कर रहे हो अगर उससे कोई डिस्ट्रॉय हो रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसी एक्टिविटीज को हमें रोक देना चाहिए तो मैं टोटल इन एक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी एक्टिविटीज जो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है उनको हमें रोक देना चाहिए इसीलिए वो क्लैरिफाई करके कह रहे हैं I want no truck with death. My death se koi ko ilina na ye. No truck ka matlabe association. Mera death se kohi association naye ko ilina If we were not so single-minded about keeping our lives moving. And for once could do nothing, perhaps a youth silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मेरे ख्याल से ये बात तो आप भी महसूस करते हो एक छोटा बच्चा जो होता है उसे रेस में भगाना शुरू कर दिया जाता है पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है ये इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा ये करेगा वो करेगा कोई नहीं पूछता उस बच्चे से तेरे को क्या बनना है वो बच्चा अभी पूरी तरीके से अपने आप को समझ नहीं पा रहा होता है उससे पहले ही उसके सामने एक बड़ी सी टाइमलाइन लाकर खड़ी कर दी जाती है थ में ये पढ़ना है तेरे को टेंथ में ये करना है टेंथ पढ़ ली तो अब इलेवेंथ पढ़ क्योंकि ट्वेल्थ का बेस बनेगा अब ट्वेल्थ पढ़ तक तेरे को अच्छा कॉलेज मिले एंट्रेंस एग्जाम दे ताकि ट्वेल्थ के मार्क्स तुझे सपोर्ट करके एक अच्छा कॉलेज दिला सके अच्छे कॉलेज में जाकर अच्छे मार्क्स लेके आ ताकि अच्छा प्लेसमेंट हो सके अच्छे प्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम कर ताकि तेर को प्रमोशन मिल सके फिर शादी करो बच्चे करो रिटायरमेंट के बारे में सोचो और इस रेस में भागते भागते इंसान मर जाता है कहते हैं कि अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते कि बस हमें अपनी जिंदगी चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना ये एक रेस है जिसमें हमें दौड़ते दो, रहना है तो आज हम इतने सैड ही नहीं होते हमारी सैडनेस के पीछे कारण है हमें अपने आप को ना समझने का कितने बच्चे हैं हैं जो क्लास के अंदर बैठे हैं और अभी पता नहीं कितनी सारी वीडियोस देख रहे होते हैं जिसके अंदर 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे की पढ़ाइयों के बारे में बताया जाता है अरे नहीं है यार तुम्हें जरूरत 12 घंटे पढ़ने की 16 घंटे पढ़ने की तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि हो सकता है तुम इतने ब्रिलियंट हो कि तुम चार घंटे में पढ़ सको

ये अराइज कहाँ से होता है जब हम अपने आप को समझते नहीं है ये सैडनेस कहाँ से राइज़ होती है जब हम अपने आप को नहीं समझते हैं हम हमारे लिए वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो स्टैंडर्ड हमारे है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस जो हमारे है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस किसी और के शर्मा जी का बेटा 16 घंटे पढ़ता है तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है मैं खुद शर्मा जी की बेटी हूँ बाय द वे पर तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है यार तो यहां पे पाब्लो नरूदा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप के लिए जिंदगी काटने की तरफ गुजरे जा रहे हैं मौत नहीं आनी चाहिए ये सोचते हुए जा रहे हैं मौत नहीं आनी चाहिए इस चक्कर के अंदर हम वो वो चीजें करे जा रहे हैं जो चीजें हमें करने का मन भी नहीं है हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं हम जिंदगी काट रहे हैं और सैडनेस के साथ काट रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा हम कुछ नहीं कर सक रहे पैब्लो नरूदा कहते हैं इस सैडनेस से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्ट Introspect करो अपने आप को जानने की कोशिश करो जानने की कोशिश करो तुम्हारा पर्पस क्या है क्या अच्छा लगता है तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता है तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो उससे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी और क्या तुम उन कॉन्सिक्वेंसेस से खुश भी होगे या नहीं जब तुम वो करोगे ना तो ये जो सैडनेस आ रही है ना अपने आप को ना समझने की वजह से ये चली जाएगी तो इंट्रोस्पेक्शन से तुम शायद सेल्फ डाउट से बाहर निकल पाओगे इस सैडनेस से बाहर निकल पाओगे इसके बाद में वो कहते हैं यार मैं तुम्हें जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया अब मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इससे ज्यादा कुछ सीखना है परहैप्स एज वेन everything सीम्स एंड लेटर प्रूव टू बी be alive। अगर इससे ज्यादा कुछ सीखना है ना तो शायद अर्थ तुम्हें सिखा सकती है अरे अर्थ कितनी शांति से अपना काम करती है इतने सारे उसके फंक्शंस है अपने सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है नहीं अर्थ को अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए जा जाके मरक्यूरी या किसी और उससे जाके भिड़ना तो आएगी ये ले मर्क्यूरी तू क्या जलाएगी मुझे मुझे जलाएगी तू मैं देखना अभी इंसान ऐसे भेजोगे ना यहां पे कैसे बन सकते हो चिंता मत कर सब कर सकते हैं वो वो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए डेंजर की तरफ नहीं जाती और लड़की अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने की कोशिश नहीं करती है। अर्थ अपना काम करती रहती है दूर से देखोगे तो बाकी सारे प्लैनेट्स के जैसी दिखेगी नॉर्मल अपना काम करती हुई डिस्ट्रक्शन करके अपने आप को सुपीरियर नहीं प्रूव कर रही होती है पर अगर करीब जाकर देखोगे तो वही अर्थ जो है उसी अर्थ के अंदर तुम्हें जिंदगी दिखेगी हम दिखेंगे तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए प्रूव करने के लिए अपने आप को सुपीरियर किसी और को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है अर्थ से सीखो अर्थ क्या सिखाना चाहती है और उसके बाद में फाइनली उन्होंने पोम को क्लोज किया ये कह के नाउ आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो अब मैं बारह तक काउंट करूंगा और मैं इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करूंगा और चला जाऊंगा और तुम जाओ और तुम भी इंट्रोस्पेक्ट करो ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनली उन्होंने अर्थ को परसोनिफाई करके अर्थ को परसोनिफाई करके ये बता दिया है कि शायद मेरे से तुम नहीं समझ पा रहे हो पर शायद तुम अर्थ से समझोगे और तुम्हें समझाएगी कि जिंदगी जो है वो बिना डिस्ट्रक्शन के भी चली जा सकती है सो पोम का थीम क्या हुआ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन से आने वाली ट्रांक्यूलिटी फिर पीस ठीक है पैबलो नरुदा ने लिखी है इस कमाल पोम को और इसके साथ कंप्लीट हो गया है कीपिंग क्वाइट ये 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 वाला से, ये रह गया है है एक बार इसको भी रीड कर लो अच्छे 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 वर्ड्स वर्ड्स डाले मैंने ये जो ना इन्हीं को जब आंसर्स में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये जितने बच्चे है ना जो मेरे को हजार के करीब ले जाकर और वापस जा रहे हैं भगवान माफ तो नहीं करेगा तुम्हें <laughs> मैं बता दे रही हूँ तुम्हें ये जितने बच्चे हैं जो या तो शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाब्लो नरुदा की ट्रांक्यूलिटी तो वो खुद ही ले आएंगे तुम्हारे घर में करेले की सब्जी बनेगी मैं बता रही हूँ तुम्हारा मन करेगा कि तुम आज खाओ बटर पनीर पर तुम्हारे घर में बनेगी करेले की सब्जी और तुम तब मुझे याद कर रहे और सोच रहे कि अरे यार काश क्लास को शेयर कर दिया जाता मैं ये पिटीशन यहाँ से जारी करती हूँ जितने भी घर के अंदर ये आज का लाइव क्लास चल रहा है सारी की सारी मम्मियां जो है ये नलायक बच्चे जो क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर बैठ नहीं रहे क्लास में बैठा नहीं जा पा रहा है इनसे इन, इन सबके लिए पालक का पराठा और करेले की सब्जी बनाई जाए ये मेरा श्राप है ओके okay, नेक्स्ट देखेंगे आ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने लिखा है इस पोम को जल्दी से जॉन कीट्स ओपी कर दीजिए नोट्स में आपके लिए आपके वो ड्राइव लिंक के अंदर अपलोड कर दूंगी डोंट वरी आई वांट नो ट्रक विद डेथ का मतलब है आई वांट नो ट्रक नो ट्रक का मतलब है एसोसिएशन बोला मेरा डेथ के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है कोई लेना देना नहीं है भाई मैंने तो कहा ही नहीं मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैंने डेथ प्रमोट करनी है यूफेमिज्म क्या होता है यूफेमिज्म मेरा फेवरेट लिटरेरी डिवाइस है अब जैसे मान लो कोई जो है समझे है ना तो अभी मान लो कोई तो हम क्या करते हैं हम ऐसे कहते हैं मर गए हा वही बात को हम बड़े पॉजिटिव तरीके से कहते हैं भगवान को प्यारे हो गए गुजर गए गहरी नींद सो गए स्वर्गवासी हो गए स्वर्ग यूफेमिज्म यूफेमिज्म अगर आपको सीखना हो अगर किसी को भी यूफेमिज्म सीखना हो कृपया करके अपनी मम्मियों से सीखें वो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें जो होती हैं उनको और पॉजिटिव कर करके सुना कर आपको बताएंगी सिंगल माइंडेड का मतलब होता है नैरो माइंडेड कि यार हम लोग इतना ब्रॉड माइंडेड ब्रॉड स्पेयर में जा ही नहीं पाते कि जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है हम कभी सोच ही नहीं पाते कि जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है हमने ठान लिया कि नहीं जिंदगी का यही टाइमलाइन है कि 25 में ये करना है छब्बीस में ये करना है तीस में करना है साठ में ये करना है तो वही फॉलो करते हैं कुछ लोग फॉलो कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं तो सैड हो जाते हैं बड़ा स्ट्रेंजनेस इसके लिए क्योंकि हो गया से। और थे क्योंकि बड़ा हो यार के आप, आप हाँ बाहर नहीं जा रहे थे मूवी नहीं देख रहे थे मॉल्स पे नहीं जा रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा था वो कितना स्ट्रेंज था हम लोग ने सोचा था कि दुनिया हमारी ऐसे रुक जाएगी नहीं ना तो ये जो सडन ये जो स्ट्रेंजनेस है

ओके अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन जॉन कीट्स कीट्स ने लिखा है पे खूबसूरती के बारे में बात करते हैं बात करते हैं कि कैसे आपको हर चीज के अंदर खूबसूरती दिख सकती है देखो यार खूबसूरती का ना कोई पैरामीटर नहीं होता है हम वैसे क्या करते हैं वैसे खूबसूरती को पैरामीटर से जोड़ते हैं हमने क्या कर रखा है एक इंसान की खूबसूरती के लिए भी ना ऐसे पूरे बुलेट पॉइंट बना रखे हैं ये ऐसा इंसान ही खूबसूरत होगा हमने हर चीज इसमें डिफाइन कर रखी है हमारे दिमाग के अंदर जो खूबसूरती की इमेज है ना उसको पूरा डिफाइन कर रखा है इंसान कैसा दिखना चाहिए कैसा बोलना चाहिए कैसे चलना चाहिए कैसे बैठना चाहिए सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है और तभी हम उस इंसान को खूबसूरत मानते हैं आ, ये जॉन जो है बस इसी चीज के अगेंस्ट है जॉन कीट्स कहते हैं कि खूबसूरती ना इंसान की आंखों में होती है कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ बी होल्डर वो सच है आपकी आंखें अगर खूबसूरत है आपका देखने का नजरिया खूबसूरत है ना सब खूबसूरत लग रहा होता है

उसे ढूंढने के लिए फिर से उसके पीछे पीछे निकल पड़ा और रास्ते में उसने नदियाँ देखे फूल देखे पहाड़ देखे न जाने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की और तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि ये मून गॉडेस सिंधिया नहीं थी जो खूबसूरत थी ये तो मेरी आंखें मेरा नजरिया है कि मुझे हर खूबसूरत हर चीज खूबसूरत लग रही है यहाँ पे हर एक चीज खूबसूरत है तो यही चीज जो है यहां पे जॉन कीट्स ने हमें बताई है कि ये सिर्फ आपका नजरिया होता है आप अगर आसपास देखोगे हर एक चीज जो आपको खूबसूरत महसूस करवा सकती है वो खूबसूरत है ठीक है शुरू करें चलो जॉन की शुरुआत करते हैं पोम की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अर एवर इट्स लवलीनेस इनक्रीज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग पोइट कहते हैं कि एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे लिए खुशियों का पिटारा होता है एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट से आने वाली जो खुशी होती है वो हर बार जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं मल्टीप्लाई होती जाती है होती जाती है, होती जाती जाती है है एक बार भी ऐसा नहीं होता कि कोई से आने वाली खुशी, या जीरो में खत्म हो गई हो आप किसी खूबसूरत से पहाड़ पर गए थे आप किसी खूबसूरत से नदी को देखे थे आप जितनी बार उस नदी को के बारे में सोचोगे उस खूबसूरत पहाड़ को देखोगे उतनी बार आपको अच्छा लग रहा होगा, उतनी बार आपको खुशी हो रही होगी मल्टीप्लाई होकर हो रही होगी क्योंकि खूबसूरत चीजें ना दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती है खूबसूरत चीजें ना ख्वाबों में आने लगती है दिमाग पर ऐसा ऐसा छाप छोड़ती है कि आप भी नहीं भुला पाओगे कि उन्होंने आपको कैसा फील करवाया

अ बोर क्वाइट फॉर अस यानी छांव खूबसूरत चीजें छांव की जैसे होती है वो तपती धूप के अंदर खतरनाक गर्मी के अंदर जब आप छांव में जाते हो घने पेड़ की तो कैसा लगता है कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है उस पेड़ के अंदर नीचे कितना अच्छा लग रहा होता है उस छांव के अंदर बैठकर बोला वो है खूबसूरती खूबसूरती मालूम है क्या है असली फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स आप जब चैन से सो रहे होते हो और अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे होते हो ऐसे ख्वाब हो रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार काश मैं उठू ही नहीं बस इस ख्वाब को ही देखता जाओ देखता जाओ देखता जाओ। वो है खूबसूरती खूबसूरती है हेल्थ, हेल्थ हमारी हेल्थ हमारी है खूबसूरती आपको लगता नहीं होगा कि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे इंसान से जाकर पूछो जो अपने लव्ड को हॉस्पिटल में देखता है रोज एक ऐसे इंसान से पूछो जो हॉस्पिटल के उस बेड पे एक अकेला सोता है और शायद उसको पता भी नहीं है कि दूसरे दिन वो उठेगा या नहीं वो उस वक्त कुछ नहीं मांग रहा होता सिवाय हेल्थ के खूबसूरती एक हो एकदम स्वस्थ होते हो वो है खूबसूरती खूबसूरती है चैन की सांस। जिसे आप किसी भी तरीके से नहीं खरीद सकते कैसे भी हासिल नहीं कर सकते चैन की सांस बस आती है तब आती है यार चैन की सांस को आप किसी से हासिल नहीं कर सकते हो ला नहीं सकते हो बस फील कर सकते हो और जब चैन की सांस फील होती है ना तो वो इतनी खूबसूरत होती है उसकी फीलिंग कि आप चाहते हो कि वो मल्टीप्लाई होती जाए वो छाप छोड़ जाती है आपको आदत पड़ जाती है इसके बाद में वो बोलते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना खूबसूरत है ये सारी की सारी चीजों के पीछे ही भागते हैं हम आज तुम्हारा जो भी गोल हो चाहे तुम्हारा गोल हो क्लास में टॉप करना या फिर आ, आ, अच्छा कॉलेज लेना अच्छा प्लेसमेंट लैंड करना अच्छा प्रमोशन आओगे तुम वापस यहीं चाहिए तुम्हें यही होगा चैन सुकून पीस जैसे कि छाव हो हेल्थ आपको चाहिए होगी चैन की सांस एक ऐसी नींद जिससे उठना ना चाहो एक ऐसी नींद जिसमें अच्छे सपने हो हर इंसान इन्हीं चीजों के लिए तो भागता है आगे कंटिन्यू करके पोएट कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ इसीलिए हर दूसरे दिन हमारा मालूम है क्या काम होता है हर दूसरे दिन हम लोग एक माला पिरोते हैं आज का दिन जब खत्म हो जाता है तो नए सिरे से फिर से एक दिन को शुरू करते हैं एक सिरा उस माला का हमारे हाथ होता है और एक सिरा उस माला का अर्थ के हाथ होता है इस माला को हम हर सुबह पिरोते हैं अपनी पहली सांस के साथ क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो वो दिन ख़त्म हो जाता है और एक नई सुबह की जब शुरुआत होती है तो यही सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है जो इन्वायमेंट में मौजूद है जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है ये हमें मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करती हैं यही सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी देती है तो एक सिरा आपके पास होता है और उस माला के फूल यानी वो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स का एक सिरा अर्थ के हाथ होता है ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसी वजह से हम जिंदा हैं है कि नहीं है ना वो कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस द ह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल एंड ओवर डार्क एंड वेज हमें जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मिल सकती है जिंदगी के दोनों पहलू से सामना करना पड़ेगा जिंदगी एक ऐसा सिक्का है जिसके दो फेसेस है अगर कभी खुशियां होगी तो कभी गम भी होगा तो बॉन्डेंस यानी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं डिसहार्टन हो जाते हैं होपलेस हो जाते हैं होपलेस हो जाते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में अब और कुछ भी नहीं बचा अब ऐसा लगता है जैसे लोग जो है वो वो हमें डिसअपॉइंट कर, हम कर रहे हैं इतनी मेहनत करी थी इतना कुछ करा था ये रिजल्ट मिला इतना सोचते हैं और जब वो नहीं होता जो हम चाहते हैं तो हम निराश हो जाते हैं कभी कभी लोगों से निराश हो जाते हैं उम्मीदें लगा बैठते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हमें ऐसा लगता है ड्रेथ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग हमें ऐसा लगता है जैसे दुनिया में नोबल नेचर्स यानी अच्छे लोगों का लैक यानी कमी है ऐसे लगता है लोग ऐसे होते हैं क्या मैम ऐसे करता है क्या, क्या कोई मैंने कितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई

कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं या फिर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो किसी एक दिन की वाइब ऑफ होती है आज ना वाइब ऑफ है तो कभी कभी किसी दिन की वाइब ऑफ होती है यानी ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज हर इंसान के पास हमेशा जब भी दो चीज़ों का चुनाव करना कि किसी एक चीज़ का चुनाव करना होता है तो सामने दो ऑप्शंस होते हैं हम ना हमेशा किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द रोड नॉट टेकन दो राय होती है और उसमें से किसी एक राय को हम चूज कर लेते हैं एक तरफ तो माइंड में हमेशा ये चल रहा होता है कि वहां क्या हो रहा होगा और दूसरी तरफ जिस राह पे हम चल पड़ते हैं अगर वो अच्छी ना हो अगर उससे हमें अपना फ्यूचर नहीं दिखता हो हम भटक जाते हैं हम सैड हो जाते हैं हम अपने आप को ऐसी जगह पर पाते हैं ऐसे पर पाते हैं जहां आगे ब्राइट फ्यूचर नहीं बहुत ही डार्कनेस दिख रहा होता है कभी कभी हम सब गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो चाहे तुम उदास हो या तुम गलत रास्ते पर चल बैठे हो तुम्हें लोग परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है या फिर तुम अपने आप से ही खफा या डिसअपॉइंटेड हो हर बार, बार जब तुम नीचे गिरते हो डिसपॉइंटेड होते हो हार मानते हो तो तुम्हें पता है कि तुम फिर से उठ खड़े कैसे हो जाते हो क्योंकि made for our searching yes in spiderfall some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits क्योंकि जब हम लोग गिरते हैं जब भी ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे दिल में दिमाग में आते हैं हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है किसी ना किसी शेप में खूबसूरती आती है और इस गहरे बादल को इस काले बादल को हमारे स्पिरिट से उठाकर ले जाती है ये बादल जो है हमारे स्पिरिट से चला जाता है अब हम लोग उतना सैड फील नहीं कर रहे होते। दिस इज प्रोसेस। हर बार हम हारते हैं हर बार फिर उठ खड़े होते हैं और जीत की ओर भागने लग जाते हैं कैसे क्योंकि हमारे आसपास वो खूबसूरत चीजें मौजूद है जो हमें रुकने नहीं देती जो हमें हार नहीं मानने देती और वो किसी भी शेप में हो सकती है जो तुम्हारी खूबसूरती की डेफिनेशन है उसका तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है इमेजिन करो तुम बहुत ज्यादा सैड हो और पापा आए और एक तापकी दे और बोले तू चिंता मत कर मैं हूं ना मैं बैठा हूं तुझे क्या टेंशन है तू बिंदास एग्जाम दे जो होगा देखा जाएगा तुम चाहे जाए कितने भी निराशा से भरे हुए क्यों ना हो बस पापा का इतना कहना तुम्हें इतना चिअरअप कर देगा कि तुम शायद दूसरे मिनट पढ़ने लगोगे तुम्हारी तुम्हारे फ्रेंड से लड़ाई हो गई है तुम बहुत सैड हो मम्मी कहती है आजा तेरा फेवरेट खाना बनाया है क्या हो गया है या फिर कभी कभी तो आकर खिला ही देती है ऐसे मूड ऐसे अप हो जाता है बच्चों ये जितने भी फॉर्म्स है ना ये खूबसूरती के फॉर्म्स है ये किसी एक पैरामीटर से नहीं आए हैं कि खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए एक औरत में ही होना चाहिए आदमी में ही होना चाहिए नहीं ये फीलिंग है ये फीलिंग है तभी तो कभी जाती नहीं है अगर ये सिर्फ और सिर्फ जुड़ावा होता किसी मटेरियलिस्टिक चीज से या किसी पैरामीटर से तो ये चली जाती पर ये फीलिंग है एक अनुभव है एक एहसास है इसीलिए खूबसूरती आपको जैसा फील कराती है वो कभी जाता नहीं है पोइट कहते हैं यार काफी बात कर लिया यार तुम्हारे साथ में खूबसूरती की थोड़ा बता देता हूँ यार तुम्हें की खूबसूरती क्या होती है तो ऐसे में पोहित यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि सुनो सुनो तुम्हें खूबसूरती के पैरामीटर्स का बड़ा शौक है ना तो मैं बताता हूँ सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेरी बून हमने ना पता है क्या है ये जवान जो लोग होते हैं वो खूबसूरत है बूढ़े लोग खूबसूरत नहीं है ठीक है शुरुआतें जिन चीजों की भी हो रही है खूबसूरत है किसी भी चीज का एंड जो है वो खूबसूरत नहीं है हाँ? हम कह देते हैं मैं तो बहुत अलग हूँ मैम मुझे तो ये बाकी लोगों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ मैम तो खूबसूरत नहीं हूँ पोइट ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं खूबसूरत है सूरज यानी कि दिन की शुरुआत और खूबसूरत है चांद यानी दिन का एंड खूबसूरत है वो बूढ़ा पेड़ जो इतना मजबूत हो जाता है कि उसके नीचे सबसे बेहतर छाव मिलती है खूबसूरत है वो जवान पेड़ जो हरा भरा है लहरा रहा है और मजबूती की तरफ जा रहा है अरे खूबसूरत है वो बीज भी जो अभी तैयार हो रहा है एक पेड़ के अंदर आपको और हमको छाव देने के लिए उन्होंने यहां पर बोला है कि वो छाव किसको देगा वो छाव देगा सिंपल शीप यानी ह्यूमन बींग्स को शीप कौन है भेड़ कौन है हम हैं हम ठीक है सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडल्स

येलो ब्राउनिश कलर के डेफोडल्स जो हैं वो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं ग्रीन तने के साथ तो वो अपने आप को हरा नहीं बना लेते तो तुम्हें हरा होने की क्या जरूरत पड़ रही है तुम येलो ब्राउन कलर के डेफोडल हो मेरी जान तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे डिफरेंट होने में ही है तुम्हारे यूनिक होने में है वो कहते हैं डेफोडिल्स अलग कलर के होते हैं और इसीलिए तो वो खूबसूरत है।, है ना इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर मेक द हॉट सीजन द मेड फॉरेस्ट ब्रेक खूबसूरत है वो क्लियर रिल्स वो साफ रिल्स वो साफ नदियां जो आपको एकदम खतरनाक गर्मी में गर्म मौसम के अंदर देखने को मिलती हैं जब आपको बहुत प्यास लग रही होती है बहुत गर्मी लग रही होती है अगर साफ पानी का बहाव आपको कहीं पर देखने को मिल जाए एकदम ठंडा साफ पानी उससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है उस टाइम पे कुछ आपको अच्छा फील करा सकता है तो खूबसूरत है वो क्लियर रिल्स जो कि आपको ठंडक का एहसास करवाती है एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम्स इसके साथ में बच्चों आपको पता है क्या हम जब किसी घने फॉरेस्ट में जाते हैं तो हमें बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना इन बड़े बड़े पेड़ों में हम यार ये इतने घने पेड़ है और हम भी ना इन पेड़ों की तरह ना वैसे ही बनना चाहते हैं वो ही कैनोपी वैसे ही घने पेड़ बनना चाहते हैं एक फॉरेस्ट में हम भूल जाते हैं कि लंबे बड़े, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटी छोटी मस्क रोजेस की झाड़िया इतनी केपेबल होती हैं पूरे के पूरे फॉरेस्ट को महका देती हैं तो तुम्हें वो बड़ा पेड़ बनने की जरूरत नहीं है अगर तुम वो छोटी झाड़ी हो जो पूरे फॉरेस्ट को महका देने का दम रखते हो अगर तुम फॉरेस्ट में बीच में रुकते हो तो शायद आसपास तुम्हें वो पेड़ दिख रहे होंगे पर हकीकत तो ये है कि वो महक जो आ रही है वो खुशबू जो आ रही है वो जो फ्रेग्रेंस है जो हर जगह फैली हुई है वो उन छोटी-छोटी झाड़ियों में लगे मस्क रोज़स की है तुम्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मेरी जान इसके बाद में पोएट बताते हैं कि यहां तक तो मैं तुम्हें बता रहा था वो सारी जो हमें आ, भगवान जी ने दी हैं, नेचर ने दी हैं। आगे कंटिन्यू कर, कर वो कहते हैं आगे कंटिन्यू करके वो कहते हैं एंड सच टू इज द ऑफ द डूम्स हमेशा जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत लगती है पर कुछ लोगों की तो मौत भी बहुत शान वाली होती है इस दुनिया के अंदर बच्चों हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी लंबी होनी चाहिए उस जिंदगी के लिए हम लोग भगवान जाने क्या क्या कर रहे होते हैं पर वो कहते हैं ना जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मुशाए लंबी तो रेल की पटरी भी होती है तो ऐसे ही इसी चीज के बारे में जॉन कीट्स कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी लंबी है अगर इस जिंदगी में तुमने किसी के लिए कुछ काम नहीं किया है जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए कुछ नहीं किया है तो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगी से तो ज्यादा खूबसूरत उन लोगों की मौत है जो शायद उतना नहीं जी पाए जितना तुम जी रहे हो पर उन्होंने अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए अपने कम्युनिटी के लिए जान दे दी एक माँ इंतजार करती रही और उसका बेटा नहीं आया अपने अपने परिवार को अपनी बीवी को अपने बच्चों को अपना सब छोड़कर वो तुम्हारे लिए चले गए तो शायद तुम्हारी जिंदगी लंबी हो सकती है पर उतनी बड़ी नहीं जितनी उनकी है ऐसे लोगों की तो डूम यहाँ पर लिखा हुआ है ये डूम का मतलब होता है डेड ऐसे लोग जो मर गए हैं उनकी तो डेथ के अंदर भी स्प्लेंडर यानी कि शान है ग्रैंड्यूर है वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऐसे लोग जो होते हैं ना ऐसे लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं माइटी का मतलब होता है जो कभी ना मरे और डेड का मतलब है जो खत्म हो जाए ये लोग माइटी डेड होते हैं क्योंकि ये मर भी जाते हैं तो हमारे दिलों में अमर रहते हैं अरे क्या करना है उस जिंदगी का जिस जिंदगी में तुम नब्बे सौ एक सौ बीस साल के होके मर रहे हो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है कोई तुम्हें जानता भी नहीं है जिंदगी जीनी है तो ऐसी जिंदगी जियो ऐसे लोगों से सीखो ऐसे ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लो जिनके जाने के बाद उनके चर्चे दुनिया में होते हैं जो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं इसके साथ पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि मत सोचना एक बार भी कि तुम्हारी जिंदगी सस्ती है ये उधार है किसी और का रेड खूबसूरत है ऐसे लोगों की डेथ जो किसी और के लिए मर जाते हैं मरकर भी अमर हो जाते हैं खूबसूरत है वो कहानियां जो इनके बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं अरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हार मानने नहीं देती हैं ऐसी कहानियां ऐसी कहानियां तुम कितना मर्जी जितना मर्जी तुम डीमोटिवेटेड फील करो जितना मर्जी तुम लैक ऑफ एनर्जी फील करो जितना मर्जी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा ऐसी कहानियां तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए आगे चलते रहने के लिए मोटिवेट करती है इंस्पायर करती है ये तुम्हें रुकने नहीं देती ये सारी चीजें जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई हैं ये ऐसा ही है जैसे

अमृत है ये इमोटल इमोटल है ये कभी भी मरेगा नहीं ये कभी भी खत्म नहीं होगा ये इमोटल ड्रिंक है जो चले जा रही है तुम्हें तो पता है ये एंडलेस फाउंटेन ये इमोटल ड्रिंक खूबसूरती है जब तक तुम्हारी नज़रों के अंदर खूबसूरती है तुम आस-पास खूबसूरती देखोगे और जब तक तुम खूबसूरती देखोगे तुम्हें अच्छा फील होगा और जब तक तुम्हें अच्छा फील होता रहेगा तुम और उस फीलिंग को बढ़ाते रहोगे कभी खत्म नहीं होगा ये प्रोसेस ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा मानो जैसे इस प्रोसेस को शुरू ही ऊपर वाले ने किया है हेवन यानी स्वर्ग ब्रिंक यानी उसके एज से उसके एज से टपक रहा है यह खूबसूरती का फवारा जो हम लोगों के ऊपर पोर किया गया है ताकि हम कभी हार ना माने लाइफ के चैलेंजेस के सामने कभी ना झुके अच्छा इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनो, सुनो 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 पहले मेरी बात सुनो और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ब्रिंक है सुनना ये जो ब्रिंक है क्या दर्शाता है ये ब्रिंक क्या दर्शाता है यार जब हमें दिखता है कि कोई एक कोई एक चीज है जिसके कोने से कोई कोई पानी या कोई लिक्विड जो है वो गिर रहा है ढुल रहा है है ना तो उससे हमारे दिमाग में क्या आता है कि जरूर वो चीज भर गया फॉर एग्जांपल एक पतीला है उसमें आपने पानी रख दिया है और वो जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गया और उसके कोने से वो निकलने लग गया है तो यही है इसका इंटरप्रिटेशन कि ऊपर तो खूबसूरती है बहुत और वो खूबसूरती भगवान जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऊपर की खूबसूरती अब इतनी हो गई है कि वो फवारा बन के नीचे टपक रही है ये है इसका आंसर कुछ कुछ लिटरी डिवाइस तुम्हें तो बताऊंगी पर मैंने क्या हुआ जब पहली पोम के अंदर लिटरी डिवाइसेस बताए तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे तो मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम सिमिली क्या होता है तो तब जाके अबंडेंस तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो लिटरी डिवाइस बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं इतने कच्चे हैं कि पता ही नहीं है कि डिवाइस क्या है तो उनको आइडेंटिफाई तो कैसे ही कर लेंगे तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इससे अच्छा तो मैं लिटरी डिवाइस की एक अलग क्लास ला दूंगी जिसमें डिवाइसेस भी समझाती जाऊंगी और सारे एग्जांपल भी आपको देती जाऊंगी एक ही जगह पे वो आ जाएंगे इसीलिए बीच में डिटेल में हम, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इमेजिन करवाने का ठेका सा ले लिया है मान लो क्योंकि वो हर एक स्टैंडा के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड देते हैं जिसको हम इमेजिन कर ले रहे होते हैं कभी हमें छाव इमेजिन कराते हैं कभी माला इमेजिन कराते हैं कभी सन से लेकर मस्क रोजेस तक इमेजिन करा लेते हैं और अभी लास्ट में तो उन्होंने स्वर्ग में एक पतीला इमेजिन करवा दिया कि स्वर्ग में एक पतीला है जिसमें से इतना ज्यादा खूबसूरती आ गई है कि उसमें इतना बंडन है कि नीचे गिर रहा है सारी की सारी खूबसूरती सो so, यहाँ पर आपको इमेजरी देखने को मिलेगी सबसे प्रोमिनेंट लिटरे डिवाइस है, है उसके अंदर आपको मेटाफर देखने को मिलेगा मेटाफर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा रिल्स का मतलब होता है नदी नाले होते हैं ना साफ पानी के तो वो तो आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर sure. क्योंकि यहाँ पे जब हम इमोटल ड्रिंक और आ, ये इसकी एंडलेस फाउंटेन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पूरी लाइन के अंदर मेटाफर इस तरीके से फिट किया हुआ है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि खूबसूरत चीजें खत्म नहीं होंगी और फिर उनसे आने वाली जो फीलिंग है वो भी खत्म नहीं होगी तो खूबसूरत चीजें खत्म नहीं हो रही है एंडलेस फाउंटेन है और उनमें से आने वाला जो फीलिंग है कि हमें अच्छा फील हो रहा है और वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है वो इमॉर्टल ड्रिंक है अच्छा अब हमने आई थिंक ऑफ ब्यूटी कर लिया है एक बार ये रीड कर लो ताकि इसे तुम्हारे लिए क्लियर भी हो जाए मैं कुछ डाउट्स देख ले रही हूं यहां पे माइटी डेड में ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि माइटी का मतलब होता है जो मरे नहीं जो महान हो यहाँ पर इसका मतलब है अमर वैसे माइटी का मतलब ट्रिमेंडस होता है बट यहाँ पर इसका मतलब है अमर तो माइटी मतलब मरे नहीं और डेड का मतलब है जो खत्म हो गया हो जब दो वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ प्लेस कर दिया जाता है तो उसे हम ऑक्जी कहते हैं ग्रांड्यूर डेथ के साथ इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि कुछ लोगों की डेथ जो होती है वो इतनी ज्यादा मैं कह सकती हूँ इत, इतनी ज्यादा महान होती है आ, कि शायद लोगों की जिंदगी भी उतनी महान नहीं होती क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ कर कर जा रहे होते हैं इसीलिए ग्रांडियूर यानी कि शान जो है वो इनकी डेथ के साथ एसोसिएट की गई है क्योंकि उन्हें मरने के बाद भी जाना जा रहा है सिंपल शीप ह्यूमन बींग्स का सिंबल है इसके लिए है क्योंकि एंडी मेन शेफर्ड है और शेफर्ड है यानी चरा है भेड़ को चराते हैं और जब वो ये बताते हैं कि प्रोटेक्ट ये सब सब चीजें मिलके हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो वो ह्यूमन बींग्स को शीप के थ्रू दर्शाते हैं अच्छा इसके पीछे एक और इंटरप्रिटेशन है और वो इंटरप्रिटेशन है जीजस क्राइस्ट का क्योंकि जीजस क्राइस्ट जो है वो भी एक चराह यानि शेफर्ड थे और हम उन सबके बंदे हैं उनके बंदे हैं तो यानि हम लोग ऊपर वाले के बंदे हुए तो हम लोग उनकी शीप हो गए दूसरी चीज इसलिए भी है क्योंकि जॉन की हम लोगों को यहाँ पे भोला कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि हम बहुत भोले हैं हम लोग बहुत भोले हैं और हम लोगों को इस 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 प्रोटेक्शन की जरूरत है जो भगवान हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा रेडिंग का मतलब पिरोना होता है सर्कल के अंदर किसी चीज को बंद करना मैम एग्जाम में हाईलाइटर यूज कर सकते हैं क्या नहीं मेरी जान एग्जाम में आप हाईलाइटर यूज नहीं कर सकते हैं एग्जाम के अंदर आप एक ही पेन यूज कर सकते हैं एक ही इंक यूज कर सकते हैं इंक भी दूसरी यूज नहीं कर सकते हैं आपका मेरे को दिख रहा है कि आपने आ, लिटरी डिवाइस पे काम नहीं किया है और लाइट लिटरी डिवाइस तो सच में बहुत कच्चा है तो लिटरी डिवाइस हम लेके आएंगे डोंट वरी तो वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चंस भी पूछ लेना जो जो लिटरी डिवाइस आपको समझ नहीं आ रहे हैं हालांकि मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगी नहीं सारे के सारे लिटरी डिवाइस को मैप करके लेकर आ जाऊंगी ताकि से तुम्हें पता हो कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से लिटरे डिवाइस मौजूद हैं और ये भी बता दूंगी कि लिटरी डिवाइसिस का क्या मीनिंग होता है एंड ट्रस्ट में उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आज अब आप करेंगे अ रोड साइड स्टैंड जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है तो जल्दी से रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोपी कर दीजिए अरे बस इतना ही बचा है ब्रेक का क्या वे? जितने में ब्रेक दूंगी उतने में तो हो जा रहा होगा ये हाँ जी स्टैंड को लिखा है रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम के अंदर दो वर्ल्ड्स के बारे में बात करते हैं कहते दो दुनिया है एक ऐसी दुनिया है जहां पर बहुत ऑपरचुनिटीज है बहुत कुछ सीखने को है बहुत कुछ मिल रहा है दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया के अंदर ऑपरचुनिटीज की कमी है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है लोगों की लाइफ अच्छी नहीं है ये जो पहली दुनिया की मैं बात कर रही हूँ जहाँ इंडस्ट्रीज है एमएनसीज़ है कंपनीज है, है, है आपका पेट आप कुछ भी कर कर कुछ भी काम कर कर भर सकते हो आप दो वक्त की रोजी रोटी आराम से कमा सकते हो क्योंकि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव इनफैक्ट गांव भी नहीं वो एरिया जो गांव से भी कोसों दूर है वहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलेंगी कोई इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर कोई भी यू नो एम कोई भी कॉर्पोरेट्स देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने ही दम पर करके और खुद ही उसे सस्टेन करते रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आसपास उतने घर भी देखने को नहीं मिलेंगे कि आप एक अच्छा बिजनेस भी चला सको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये वाली दुनिया जो अर्बन एरियाज में लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके बारे में तो हमने हर जगह देखा है अरे मूवीज में हर जगह पे हमें इस दुनिया के बारे में दिखाया जाता है बताया जाता है क्या ऐशो आराम से लोग रह रहे होते एक ऐसी भी दुनिया है जिस दुनिया के बारे में कोई बात नहीं करता और वो दुनिया लाए करती है रोड साइड पे और उसी के बारे में बात करने के लिए उन्होंने पोम लिखी है अ रोड साइड स्टैंड पोएट खास करके इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा जो देश है हमारा भारत महान इस देश के अंदर गरीबों के बारे में भी सोचा जाता है हालांकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारा कोई एक स्टेट किसी कंट्री के बराबर है फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचा जाता है सरकार कोई ना कोई स्कीम निकाल रही होती है और अगर सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती है तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं ठहराते भी है अरे कहाँ हटाई तुमने गरीबी हाँ क्या किया तुमने पांच सालों के अंदर हम सवाल करते हैं हम सरकार को अपने वूज का जिम्मेदार ठहरा देते हैं अब कुछ कंट्रीज कुछ वेस्टर्न कंट्रीज खास करके कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ऐसी कंट्रीज है जहां पे चुनिंदा कुछ बड़े लोग मिलकर उनकी इकोनॉमी को चला रहे हैं ऐसे में ये लोग जो यहां पर गरीब लोग हैं ये तो जाकर शिकायत भी नहीं कर सकते अरे ये तो जाकर किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तुमने क्या किया हमारे लिए क्यों नहीं हटा रहे हो हमारी गरीबी क्यों नहीं कर रहे हो कुछ हमारे लिए ऐसे ही लोगों के बारे में बात की गई है साइड स्टैंड में ठीक है चलो पढ़ती है फिर ना ना ना। ये देखो तुम्हारा तुम्हारा बोर्ड का पेपर आ गया है मेरे पास में अब रोड साइड स्टैंड पढ़ो <laughs> चलो कोई बात नहीं द लिटिल न्यूड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड

जहां पे नीचे कोर्स एक छोटी सी दुकान बनाई होगी एक ठेला बनाने की कोशिश की होगी ना ऐसा है कि कोई ठेला वेला बनाया होगा इन फ्रंट एट ऑफ द रोड और ये जो घर है इसने अपनी ये दुकान ये अपना ठेला ये अपना शेड जो है ये एज ऑफ द रोड यानी रोड के किनारे पर लगाया है ठीक है यहाँ पर रोड के किनारे पर इसे लगाया है वेयर द ट्रैफिक स्पेड एग्जैक्टली वहीं पर जहां से ट्रैफिक स्पेड यानी स्पीड में गुजरता है तो यहां से ट्रैफिक स्पीड में गुजर रहा होता है यहीं पर इस यू नो you know, इस ठेले को लगाया गया है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड मैं जिस ठेले की बात कर रहा हूँ जिस शेड की बात कर रहा हूँ ये शेड एक रोड साइड स्टैंड है एक रोड के बाजू में लगाया हुआ स्टैंड है ठेला है that too pathetically एक ठेला गुहार कर रहा है, एक ऐसा ठेला जो इतनी बुरी स्थिति में है कि अगर आप उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है पथेटिकली प्लेड यानी विनती करना मानो जैसे कि वो वहां पे खड़ा होकर विनती कर रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड जब मैं कहता हूं कि वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है तो तुम उसे कंफ्यूज मत कर लेना भीख के साथ में यहां भीख नहीं मांग रहा है कोई वो सिर्फ हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कोई रोटी के टुकड़े को नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड पे लगाए रोड साइड स्टैंड पे खड़े हुए लोग आपसे रोटी का एक टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं बल्कि इन्हें तो क्या चाहिए बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेथ ये लोग यहाँ पर खड़े होकर ये जो रोड साइड स्टैंड है ये यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर तुमसे रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं बल्कि ये तो मांग रहे हैं कैश इन्हें चाहिए पैसा इन्हें चाहिए वो पैसा जो पैसा फ्लावर ऑफ सिटीज यानी सिटी के लोगों को मुरझाने नहीं देता अरे क्या है उस पैसे में कि सिटी के लोग इतने खिले खिले दिखते हैं अरे ऐसा क्या है उस पैसे में कि सिटी के लोगों की लाइफस्टाइल को ये कभी खत्म नहीं होने देता उन्हें भूखे नहीं मरने देता उन्हें फेंट नहीं होने देता उन्हें मुरझाने नहीं देता ये फ्लावर ऑफ सिटीज हम लोग हैं सिटी में रहने वाले लोग हैं तो बोला वही पैसा चाहिए जो पैसा ये सिटी के लोग यूज कर रहे हैं जिससे ये मुरझाए नहीं जा रहे हैं जिनसे ये फलते फूलते रह रहे हैं ये फेड नहीं हो रहे ये नहीं झुक रहे इनके फूल नहीं गिर रहे हैं इनकी पत्तियां नहीं गिर रही हैं

ये पॉलिश ट्रैफिक यानी सिटी के लोग जो है विद माइंड अपना सर आगे करके और गुजर जाते हैं ये रोड साइड स्टैंड यहीं पर लगा है पर ये एक बार भी इसे नहीं देखते अपना सर आगे कर कर और यहां से गुजर जाते और इन फेवर साइड मोमेंट पर अगर कोई एक ऐसा मोमेंट आए कि ये रुके ये देखे रोड साइड स्टैंड को देन आउट ऑफ सोर्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग उन्होंने बोला कि अगर कोई आकर रुकता है तो रुककर मालूम है क्या बोलते हैं रुककर आकर कंप्लेन करते मार्ड मार्ड का मतलब है खराब कर दिया ओए फार्मर ये क्या कर रहे है तू ये इतना अच्छा लैंडस्केप था तेरे इस घटिया से घर ने इस से पेंट ने खराब कर दिया ना सारा का सारा व्यू अब तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या तुझे पता नहीं है क्या नॉर्थ किधर होता है और साउथ किधर होता है ये नॉर्थ का साइन और साउथ का साइन तूने गलत लगाया हुआ है पोएट कहते हैं तुम्हें दूर से ये दिख गया है कि पेंट की वजह से लैंडस्केप खराब हो रहा है कि एन का साइन गलत है और एस का साइन गलत है तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि यहां पर इस रोड साइड स्टैंड पे टोकरियों के अंदर फार्मर ने अपने प्रोड्यूस को सेल पे लगाया है सेल पे लगाया है तुम्हें नहीं दिख रहा ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेकेड गोल्डन स्कोश विथ सिल्वर वार्ड्स तुम्हें नहीं दिख रहा है कॉड्स का वुडन क्वार्स का मतलब होता है वुड की टोकरियां तुम्हें नहीं दिख रहा है वुड की टोकरियों के अंदर कैसे इसने वाइल्ड बेरीज जो उगाई थी वो सेल पर लगाई है या फिर वो सब्जियां जैसे कि लौकी गोल्डन स्कॉश इज लौकी क्रूग्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई तो बोला तुम्हें नहीं दिख रही है वो मुड़ी हुई लौकी जो वहां पर पड़ी है सिल्वर वॉर्ड्स के साथ में वॉर्ड्स का मतलब होता है दाने हमारे चेहरे पे हो जाते हैं ना आंकने तो वैसे लौकी के ऊपर सिल्वर कलर के दाने हुए हैं वो वाइल्ड है ऑर्गेनिक है ये दिखाने के लिए लिखा हुआ है तो बोला तुम्हें वहां पर फल और सब्जियां नहीं दिख रही है जो उसने सेल पे लगाई हुई है। वो वाइल्ड बेरीज जो वुडन टोकरियों में पड़ी है साथ में सिल्वर दानों के साथ में वहां पर है इतना सब उसने तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यहाँ पे सेल पे लगाया इसको छोड़ के तुम्हें सब दिख रहा है यू हैव द मनी ऑल ब्यूटी रेस्ट इन अ अल माउंटेन सीन हाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पड़ी है कि लैंडस्केप खराब हुआ है तुम्हें यहाँ पर आकर रुक कर वो ब्यूटी वो खूबसूरती नहीं दिख रही है जो ये स्पॉट ऑफर कर रहा है ये रोड साइड स्टैंड ऑफर कर रहा है You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? पैसा है जानता हूँ इतना पैसा है तुम्हारे पास जानता हूँ कि घमंड आ गया है तुम अरे इस पैसे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो मीन होना चाहते हो तो चले जाओ चले जाओ यहां से ले जाओ अपना पैसा मत करना अपना पैसा इतना पैसा है कि स्वार्थी हो गए हो तुम दिस क्रॉसली का मतलब है गुस्सा गुस्सा आ गया यार पोएट को कह रहे हैं है है राम कैसे लोग हैं ये आकर कंप्लेन कर रहे हैं गरीब इंसान की मदद नहीं हो रही है इनसे हर्ट टू दिनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन अरे कोई एक इंसान जो इन गरीबों के बारे में सोचेगा वो इंसान एक बार एक छोटा फ्रैक्शन एक थोड़ा सा अमाउंट क्या इनको नहीं देगा पर नहीं तुम्हें तो कंप्लेन करनी है तुम्हें तो यहां पर लैंडस्केप का व्यू चाहिए सो मच हैज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज आर फार फ्रॉम सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फार्मर कह नहीं सकता बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाहता है पर उसके अंदर रह जाती हैं जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि सिटी से कोसों दूर हम रोड साइड स्टैंड बनाते हैं एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड और क्या ही तो चाहते हैं ये रोड साइड स्टैंड लगाकर कुछ सिटी मनी ही तो अपने हाथ में फील करना चाहते हैं टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड अरे ये देखना चाहते हैं कि क्या मा? सिटी के मनी के साथ में आखिर ऐसा भी क्या है इसके अंदर कि लाइफस्टाइल लोगों की बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है अरे ऐसा कैसा पैसा है कि सिटी के लोग इतनी अच्छी जिंदगी जीते हैं हम भी तो देखना चाहते हैं कि ये पैसा हमारी जिंदगी को कैसे एक्सपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ावा देता है

अरे हम भी तो देखना चाहते हैं कि पैसे में ऐसा क्या है ये पैसा ऐसा क्या है कि हमें भी तो वो 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 जिंदगी मिलनी चाहिए जो मूवीज हमें प्रॉमिस करती है जो पार्टीज इन पावर हमें प्रॉमिस करती है ये पैसा ही तो मांगा है हमने इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली gathered इन हाँ हाँ हमें पता है न्यूज में हमने भी सुना है सुना है कि हम लोगों को पिटिफुल किन्स को हम लोगों को हम लोगों को खरीद कर एक जगह इकट्ठा करके गांव में बसाना चाहते हैं के अरे बेचारे गरीब लोगों को हम मदद करेंगे अरे इन सारे बेचारे लोगों को इनकी जमीनों को इनके इन गंदे से रोड साइड स्टैंड को हम खरीदेंगे और फिर इन्हें विलेज के अंदर अच्छे अच्छे घरों के अंदर अच्छी अच्छी कंडीशन में रुकवाएंगे टू लिव इन नेक्स्ट टू दिएटर एंड स्टोर हमें कहते हैं कि तुम एक में रखेंगे ऐसी ऐसी जगह पे तुम इतनी अच्छी जगह पे रहोगे जहाँ थिएटर होगा स्टॉल होगा दे हैव हाँ टू थिंक फॉर एनी मोर अरे हम तो ऐसी जगह पे इन लोगों को ले जाना चाहते हैं जहां इन लोगों को एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी जिंदगी के बारे में ये लोग फ्री हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं रहेगा एकदम फ्री <laughs> while greedy good doers beneficent beast of prey swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits are tum kya bhala karoge re hamara तुम अपने फायदे के अलावा किसी और का कभी सोचे हो अरे greedy good doer हो तुम ग्रीडी का मतलब होता है लालची और गुड डूअर का मतलब होता है अच्छा करने वाला ऑक्सी मोरन प्रेजेंट है यहाँ पे अरे तुम अच्छा तो करते हो पर लालच है इसमें तुम्हारा बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हो तुम अच्छा करने वाले शिकारी हो तुम ये अच्छे का ढोंग करके हम लोगों का शिकार करने आए हो अरे अपना लालच अपना फायदा देखते हो और हमारे ऊपर जो हमें चाहिए ही नहीं उसे थोपते हो अपना कैलकुलेशन करके आए हो कि क्या फायदा होगा और हमें ये फालतू चीजों का लालच देकर कंफ्यूज करना चाहते हो स्लीप ऑल देयर स्लीपिंग एन नाइट अरे हमारी जिंदगी को अच्छा नहीं बर्बाद कर दोगे तुम नहीं क्या सिखाओगे हमें अपनी तरह दिन भर सोना सिखाओगे और रात में उल्लुओं की तरह जगना हमें नहीं चाहिए हमारा एंशंट वे खराब हो हमें वही जिंदगी चाहिए जैसे हम अभी जी रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा दे दो हम इसी जिंदगी को जीना चाहते हैं हम नहीं जीना चाहते वो लाइफस्टाइल जो लाइफस्टाइल तुम हमें देना चाहते हो दिन भर हमें सुलाकर रात भर जगाना चाहते हो समाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेर थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड लॉन्गिंग इन वेन रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं कि कभी कभी तो मुझसे इनका दुख बर्दाश्त नहीं होता है जब इन्हें ऐसे देखता हूं तो अंदर से मन टूटता है ऐसा लगता है जैसे the, the, the so कि कैसी है। इन्हें पता है कि रोड साइड स्टैंड से इनका कुछ नहीं होगा इन्हें पता है कि रोड साइड स्टैंड से ज्यादा कुछ नहीं कमा पाएंगे इन्हें पता है कि रोड साइड स्टैंड इन्हें जिंदगी नहीं दे सकता खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता है रोड साइड स्टैंड पे कोई नहीं आएगा फिर कैसा बचपना है चाइल्डिश का मतलब होता है बचपना लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा और वेन का मतलब है बर्बाद ये कैसी बचपने वाली इच्छा है जो बर्बाद होती जा रही है जब ये देखता हूं तो दिल टूटता है मेरा सॉरी द सैडनेस दैट लर्क्स नियर दी ओपन विंडो देखा है कभी इनको खुली हुई खिड़की के आसपास उस मंडराती उदासी को वो उदासी जो वहां पर इसलिए है क्योंकि पूरे दिन वहां इंतजार किया इंतजार किया इंतजार किया सोचा कोई आएगा दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर इंतजार जो पूरे दिन किया मानो जैसे कि दुआएं पढ़ी प्रार्थनाएं करी प्रेयर किया फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक ब्रेके लगेंगी ब्रेक्स लगेंगी आवाज आएगी ब्रेक की आवाज आएगी द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार कार के रुकने की ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास आवाज आएगी कार्स के रुकने की कोई तो रुकेगा उन हजारों कार्स में से उन हजारों स्वार्थी में से कोई तो रुकेगा बस इस उम्मीद पर खिड़की पर बैठते बैठे पूरा दिन गुजार देते हैं ये जब पूरा दिन वहां गुजार रहे होते हैं और कोई नहीं रुकता तो कितना उदास हो जाते हैं ये फॉर ऑल द थाउजेंड

एक कार रुकती है पूछती है कि ये बेरीज कैसे दी प्राइस क्या है इनकी दूसरी कार रुकती है और पूछती है आ, दूसरी कार रुकती है और पीछे रिवर्स लेने के लिए इस्तेमाल करती है लैंडस्केप का उखाड़ देती है ग्रास को रिवर्स यू टर्न लेती है और चली जाती है इन यूजिंग दू बैक इन टर्न अराउंड वे टू वेउंड एक और रुका मालूम है और रुक कर पता है क्या बोला अरे फार्मर ये रास्ता किधर को जाता है रुका और रुक कर पूछता है पेट्रोल है क्या अरे नहीं है पेट्रोल पेट्रोल स्टेशन दिखता है ये गैस स्टेशन दिखता है कोई पेट्रोल नहीं है यहाँ पर दिखता नहीं है क्या नहीं सेल कर सकते हैं तुम्हें पेट्रोल पोएट कहते हैं नहीं है पेट्रोल दे कूडेंट दे दिखा नहीं तुम्हें है ही नहीं पेट्रोल नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रेक्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट बीन फाउंड ये जितना पैसा कमाते हैं उसमें से जितना पैसा बचाते हैं वो जो लाइफस्टाइल हम और आप जी रहे होते हैं शायद अर्बन एरियाज में वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इनके जीवन के अंदर वो रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कभी नहीं आएगा क्योंकि जितना पैसा ये लोग बना रहे होते हैं उसमें इनका गुजारा ही नहीं हो पा रहा होता है और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन जब गुजारा नहीं हो पाता है एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं तभी तो कंप्लेन करते हैं तभी तो कंप्लेन करते हैं तभी तो कहते हैं कि कोई आकर यहाँ से कुछ खरीद लो पर इनकी आवाज़ें दबा दी जाती है इनकी कौन सुनता है आई help owning द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट these पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन अब तो मुझे इतना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए कि मैं सोचने लगा हूँ कि एक बार मैं आज़ाद कर दो इन लोगों को इस इस रोज रोज की मौत से अरे खत्म कर दो तो इनका किस्सा मदद तुमसे की नहीं जा रही है एक फ्रैक्शन तुम्हारा पूरी कमाई का इनकी तरफ दिया नहीं जा रहा है तो कम से कम इन्हें तिल तिल मरने के लिए मजबूर मत करो आजाद कर दो तो इन्हें एक बार में एक स्ट्रोक में खत्म कर दो इनकी कहानी नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन आई हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी ऑफर टू पुट मी आउट ऑफ पेन। बाद में मेरे को पता चलता है जब मैं सेन में आता हूँ इस चीज से निकलता हूँ फिर सोचने लगता हूँ तो रियलाइज होता है अगर मैं दुखी होता मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होता तो मैं ये चाहता कि कोई मेरी मदद करे ना कि ये कि कोई मुझे खत्म कर दे क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा फ्रैक्शन भी अपने इनकम का नहीं लगा सकते क्या हम लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि एक फ्रैक्शन को शेयर करने में भी हम लोग पचास बारी सोच रहे होते हैं ऐसे लोगों के साथ भी पैसा शेयर नहीं कर रहे होते हैं जिनका घर ही हमसे चल रहा होता है क्योंकि इन लोगों की जिंदगी तो इतनी बदतर हो चुकी है कि अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो शायद इन्हें मौत देना ही सबसे भला काम होगा ये ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो इसके साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अर्ज करते हैं हम लोगों को इनकी मदद करने के लिए और पोम कंप्लीट हो जाती है इस पोम के स्पेशल लिटरे डिवाइस है इसके ऑग्जी और एलिट्रेशन का कॉम्बिनेशन खास करके ग्रीडी गुड वर्ड्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे में ग्रीडी गुड डूअर्स में भी ऑक्जीमोरॉन है क्योंकि दो उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ प्लेस किया गया है और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे में भी ऑक्जीमरॉन है क्योंकि दो उल्टे मीनिंग वाले शब्दों को एक साथ प्लेस किया हुआ है और दोनों में एलिट्रेशन भी है क्योंकि ग्रीडी गुड डूअर्स में ग ग का साउंड रिपीट हो रहा है और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे में ब ब का साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन भी मौजूद है इसके अलावा तीसरा मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस आपको यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिलेगा ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारी जगह पे पोएट सिटी के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं पर डायरेक्टली उनको रेफर नहीं कर रहे हैं जैसे कि थाउजेंड सेल्फिश कार्स में उन्होंने किया अब ये जो थाउजेंड सेल्फिश कार है उसमें वो डायरेक्टली यहाँ पर कार थोड़ी सेल्फिश हो सकती है तो डायरेक्टली सिटी पीपल नहीं लिखा है पर वो कह रहे हैं हजारों सेल्फिश लोग कार की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं हजारों सेल्फिश लोग तो यहां पे आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिला है। ये तीन ही लिटरे डिवाइस है जो सबसे प्रोमिनेंट यहां पर है लास्ट पोम हमारी बच रही है बच्चों लास्ट पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक बार इसे रीड कर लीजिए क्योंकि पॉलिश नहीं डिफाइन कर रहा है इनफैक्ट पॉलिश जो है ये उन सिटी वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको मेटफर भी मौजूद होगा बीस्ट ब्रे का मतलब शिकारी जो लोग शिकार करते हैं एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा होता है दैट इज बीस्ट ऑफ प्रे ऑल राइट एड्रीन रिच ने लिखा है आन जेनिफर्स टाइगर्स को फटाफट से एड्रीन रिच ओपी कर दीजिए रिमी बेसिकली पोएट ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी तक मेरी बात सुन रहे हो कि यार मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा हूँ कि ये लोग को पैसा दे दो पैसा दे दो इनकी मदद कर दो करके ना तो पोएट कह रहे हैं कि ऐसा मैं क्या ही क्यों रहा हूँ और इस बात तक हम आई क्यों हैं ऐसा इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर ना आने वाले लोग और इनकी मदद करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है तो ये जितना कमाते हैं और उसमें से जितना बचाते हैं अपने लिए वो बहुत सिग्निफिकेंटली लो है इतना कम है इतना कम है कि उसके साथ इनका गुजारा भी नहीं हो पाता नेचुरल सी बात है अगर गुजारा नहीं हो पाएगा तो वो हमारे बारे में सोचेंगे वो यही सोचेंगे कि हम उनकी मदद कर दें क्योंकि हमारे अलावा उनके पास है कौन तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं हमें कह रहे हैं मदद करने के लिए बट क्योंकि मदद यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है तो पोएट को गुस्सा आ गया है पोएट कह रहे है, या तो एक बार में इनकी मदद करके इनको फ्री करो इस पूरे प्रॉब्लम से और या इनको मार दो खत्म कर दो इनको आजाद कर दो इस जिंदगी से क्योंकि ये जिंदगी से तो मौत बढ़िया है ऐसी जिंदगी में रहने से अच्छा मर जाएंगे तो वो ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं बट जैसे वो ये रियलाइज करते हैं ना तो कहते हैं कि यार अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो क्या होता अगर मैं पेन में होता तो मेरी मदद करने की बजाय लोग ये डिसाइड कर रहे होते कि मार दो इसको तो क्या होता तो जब सेन में आते हैं होश में आते हैं गुस्से से निकलते हैं, तब वो ये सोचते हैं सेन का मतलब होश हो सकता है एड्रीन रिच ने इस पोम के अंदर एक बहुत ही आ, ऐसे इश्यू को हाईलाइट किया है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आजकल की दुनिया के अंदर प्रिक कर सकता है यहाँ पर आडरीन रिच बात करती है पेट्रियाकल सोसाइटी के बारे में वो बात करती है पुरुष प्रधान समाज के बारे में पुरुष प्रधान समाज एक ऐसा समाज होता है एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें पुरुष को सबसे ऊपर माना जाता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आदमियों को सबसे ऊपर माना जाता है और औरतों को प्रेफर नहीं किया जाता ऐसी सोसाइटी के अंदर रहने वाली औरतों को बहुत ही जिल्लत बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलती है अपना खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं मिलता है इनफैक्ट उन्हें सप्रेस किया जाता है ऑप्रेस किया जाता है इस हद तक कि वो शायद मरना ज़्यादा बेटर समझती है ऐसी ज़िंदगी जीने से अब ऐसे में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो अपना आवाज उठा लेती है अपनी आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट करती है अपनी जिंदगी के लिए फाइट करती है जबकि बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो सोसाइटी के आगे और मर्दों के आगे हाथ हार मारन लेती है और इसी वजह से चुपचाप सहती रहती है एड्रीन रिच आज की इस पोम के अंदर पूरी दुनिया भर में फैले हुए इस पेट्रियाकल सोसाइटी को ये, ऐसी औरतों के बारे में बात करना चाहती है आंट जेनिफर को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जो औरतें आवाज नहीं उठाती हैं अपने हक के लिए क्योंकि आंट जेनिफर आज हर उस औरत का सिंबल है जो औरत अपने हक के लिए लड़ नहीं पाई है अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ नहीं पाई है और इस पोम की शुरुआत होती है आंट जेनिफर की इच्छाओं से जो कि पेट्रियाकल सोसाइटी के अंदर दबा दी जाती है पेट्रियाकल सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और एक मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी भी कह सकते हो आप आंट जेनिफर टाइगर्स मेंस्टा में कहती हैं आम जेनिफर टाइगर्स प्रांस क्रॉस ब्राइट टो पास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीक शिवल अटर्निटी आम जेनिफर की इच्छा है उनकी इच्छा है टाइगर्स के जैसे बनने की टाइगर्स जैसे बोल्ड है फ्री है करेजियस है ब्रेव है सेल्फ एस्टीम के साथ प्राउड के साथ में जीते हैं प्राइड के साथ में जीते हैं एक्जैक्टली आंट जेनिफर भी वही करना चाहती है आंट जेनिफर आज़ाद होना चाहती है एक बोल्ड जिंदगी जीना चाहती है ब्रेवरी के साथ करेजियस होना चाहती है फ्यूअर्क जिंदगी जीना चाहती है एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती है जहां उनकी सेल्फ एस्टीम का गला हर बार नहीं घोटा जाए ऐसे में आंट जेनिफर अपनी इन इच्छाओं को बुनने लगती है वो अपनी इच्छाओं को एम्ब्रॉयडर करती हैं, कढ़ाई करती हैं, बनाती हैं। वो बनाती है टाइगर्स के फॉर्म में इन इच्छाओं को क्योंकि टाइगर्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। उन्हें उनके बनाए हुए टाइगर्स वो प्रांस करते हुए यानी भागते हुए दौड़ते हुए बनाती हैं वो दौड़ते हुए इन टाइगर्स को बनाती है और ये टाइगर्स इतने खूबसूरत इतने ब्राइट होते हैं मानो जैसे कि पीला कलर का कोई जेम स्टोन हो यानी टोपास हो एकदम ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे कि येल्लो टोपास चमक रहा है ये टाइगर्स जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले हैं डेनिजन का मतलब होता है रहने वाले बोला ये टाइगर्स जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी फॉरेस्ट में रहने वाले ये टाइगर्स खूबसूरत चमकदार टोपास के जैसे दिख रहे होते हैं ये टाइगर्स जब आगे बढ़ रहे होते हैं दे डू नॉट फियर द मैन बीनी द ट्री जब ये टाइगर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी उन आदमियों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे पेड़ के पीछे छुप के इनका शिकार करने आए हैं ये टाइगर्स को पता है कि शायद हो सकता है कि आज मेरा शिकार हो ही जाए हो सकता है कि कोई इंसान मुझे मार ही दे पर ये बिल्कुल भी उन इंसानों से उन आदमियों से नहीं डरते हैं जो इनका शिकार करने आए हैं दे पेस इन स्लीक शिवलरिक्स सर्टर्निटी इन फैक्ट ये तो आगे बढ़ते रहते हैं ये आगे बढ़ते रहते हैं स्लीक का मतलब होता है स्मूद तो एकदम स्मूद तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं शिवलरिक का मतलब होता है एलिगेंस के साथ तो अपनी उसी एलिगेंस के साथ ये आगे बढ़ते हैं सर्टर्निटी उसी दिशा में जिस दिशा में इन्होंने डिसाइड किया था तो अपना सर वैसे ही उठाकर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं जहां किया था ये किसी इंसान के डर की वजह से अपना दिशा नहीं बदलते अपना डिसीजन नहीं बदलते मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं यही जो क्वालिटीज होती है टाइगर्स के अंदर यही क्वालिटीज आंट जेनिफर अपने अंदर चाहती हैं सेकेंड स्टांजा में एड्रीन रिच कहती हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर wool फाइंड इवन ivory नीडल hard टू पुल ऊपर तो आंट जेनिफर बोल्ड होने की करेजियस होने की ब्रेवरी की बातें करती है दूसरे स्टैंडा में हमें पता चलता है कि आंट जेनिफर तो इस तरीके से ट्रोमेटाइज है कि उनसे एक पतली सी नीडल यानी कि सुई भी खींची नहीं जा रही है उनसे तो वूल यानी कि ऊन का भार भी नहीं उठाया जा रहा है ऊन को उठाते वक्त पुल करते वक्त उस नीडल को पुल करते वक्त उनकी उंगलियां कप कपा रही है जेनिफर की अगर ऐसी इच्छा है तो वो बंद क्यों नहीं जाती ऐसा वो क्यों नहीं करती अपने आप को फ्री क्यों नहीं होती है बोल क्यों नहीं लेती अपने डिसीजंस को क्यों अपने सेल्फ एस्टीम की सुरक्षा नहीं करती है इतनी नहीं? क्यों इतनी करेजियस नहीं है क्यों इतनी बोल्ड नहीं है क्योंकि यार जेनिफर ट्रोमाटाइज है उनके फिजिकल एक्टिविटीज में वो नजर आ रहा है वो ऊन का भार नहीं उठा पा रही है एक सुई को भी पुल नहीं कर पा रही है मैम किसने किया उनके साथ ऐसा कौन है जो उन्हें ट्रोमाटाइज कर रहा है इस तरीके से दबा रहा है The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer's hand. वो इतनी ट्रोमाटाइज इसके लिए है क्योंकि उनके हाथ पर उनकी शादी की अंगूठी उनका वेडिंग बैंड मौजूद है ये लाइन हमें बताती है कि आंट के ट्रॉमा के पीछे अंकल का हाथ है बच्चों जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा हो मैं इंसान बोल रही हूँ मर्द नहीं जरूरी नहीं है हर हस्बैंड ऐसा हो हर इंसान ऐसा हो हर औरत ऐसी हो पर कभी कभी पेट्रियाकल सोसाइटी में कुछ घरों के अंदर ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप नजर आती है जिसमें आदमी औरत से उसकी आइडेंटिटी उसके सपने उसकी इच्छाएं उसका डिसीजन मेकिंग सब छीन लेता है उसे सप्रेस किया जाता है उसे दबाया जाता है उसे अपनी बातें मनवाई जाती हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां मैरिटल रेप्स के बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे होते क्योंकि ऐसे समाज के अंदर आदमी के पास में पूरा हक होता है एक औरत के ऊपर ये सेकेंड स्टैंडा ऐसे ही समाज की पिक्चर हमारे सामने लाकर खड़ी कर देता है एक औरत जो फ्री होना चाहती है अपने डिसीजंस लेना चाहती है अपनी आइडेंटिटी होल्ड करना चाहती है वो ऐसा नहीं कर पा रही है वो अपने आर्ट के जरिए ये बताना चाहती है और फिर भी नहीं बता पा रही है उसके हाथ कांप रहे हैं डर के मारे वो डर रही है क्योंकि वो अपनी आजादी बुन रही है अपने आप को आजाद करने से वो डर रही है जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं ये आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों पर एप्लीकेबल है तो आप लोग प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी अंदर से प्रिक, प्रिक मत हो जाइएगा हम जब भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो सोसाइटी हमें इस तरीके से ट्रीट करती है कि हमारा मन जाते हुए भी हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है वो चार लोग क्या कहेंगे हम ही है वो चार लोग हम ही करते है वो हैं वो बातें और वही बातें कर कर हम खुद अपना गड्ढा खुद खोदते हैं ये कैसी सोसाइटी है और कैसी सोसाइटी का संचार कर रहे हैं कैसी सोसाइटी हम बना रहे हैं जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग एक इंसान को उसका डिसीजन लेने भी नहीं दे रहे हैं एक इंसान अगर ऐसी रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर तक आ तक नहीं जा पा रहा है आंट अपनी फ्रीडम को बुनने की कोशिश कर रही है पर वो वेडिंग बैंड जो उनके हाथ पर मौजूद है वो वेडिंग बैंड उन्हें वो करने नहीं दे रहा जब शादी बहुत अच्छी होती है तो उससे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बुरी नहीं लग रही होती जब वही शादी काटने को दौड़ती है टॉक्सिक हो जाती है तो उससे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बर्डन लगती है उसे निभाना एक बर्डन से कम नहीं होता जैसे आंट के लिए वो वेडिंग बैंड इतना भारी हो गया है इतना भारी हो गया है कि उसका बोझ उनसे नहीं उठ रहा है उनके हाथ कांप रहे हैं अपने हाथ उठा नहीं पा रही हैं वो डर रही है अंकल से डर रही है सोसाइटी से जो शायद उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकलने नहीं देंगी ठीक है तो ये जो आंट का वेडिंग बैंड है उनके हाथ पे इस तरीके से बैठा है कि वो अपने हाथ नहीं चला पाएंगी अपनी आजादी नहीं बुन पाएंगी वो नहीं कर पाएंगी जो वो करना चाहती है आठ, वो आठ नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक पेट्रियाल सोसाइटी में आप जो करना चाहते हैं उसका हक तो आपको दिया ही नहीं जाता यहां तक जब हम ये सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आठ के अंदर इतनी इच्छा इतनी इच्छा आजाद होने की कि बस आठ तो आजाद होकर ही रहेगी पर थर्ड में स्टैंड मेंती है वो आजाद होना चाहती हैं पर वो आजाद हो नहीं पाएंगी उन्हीं की जैसी न जाने कितनी सारी औरतों की तरह वो भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगी आन जेनिफर जब मर जाएंगी तो उनके यही कप कपाते हुए डरे हुए हाथ अभी भी बंधे हुए रहेंगे और और उन ऑडियल्स यानी उन चैलेंजेस से जो उन्होंने जीवन भर झेले हैं उनके हाथों पर वो अंगूठी आज भी मौजूद रहेगी वो अंगूठी जो उनके रिश्ते की कहानी कहेगी अंकल के साथ में उन सारे ऑडियंस को बयां करेगी जो उन्होंने जिंदगी में देखे हैं। वो मरकर भी इन चैलेंजेस से आजाद नहीं हो पाएंगी कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम जहां पर कोई इंसान मर जाए वो हमें ज्यादा ठीक लग रहा है पर हम उसे आजाद नहीं करना चाहते हैं और यही चार लोग बाद में जब कोई इंसान अपनी जान ले लेता है तो ये कहने आ जाते हैं अरे कह देती कह देता अगर बात तो करता सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल देते अरे जब इंसान जिंदा होता है तब कहां चले जाते हैं आपके सोल्यूशन जब शायद आंट जेनिफर मर जाएंगी उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी तब जाकर लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे पर आंट तो आजाद नहीं हो पाएंगी पर यहाँ पर एड्रीन रिच एक एक मैसेज देती है और वो मैसेज देती है कि आर्ट एंड करती है कला जो होती है ना बच्चों वो कला कलाकार के जाने के बाद भी युगो युगों तक जानी जाती है जैसे कि एड्रीन रिच के जाने के बाद आंट जेनिफर टाइगर्स उनका मास्टर जो है उनकी ये जो पोम है इसे पढ़ा जा रहा है समझाया जा रहा है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही आंट जेनिफर के मरने के बाद शायद वो तो मर जाएंगी, उनका नामो निशान तो मिट जाएगा बट द उन्होंने बनाई है वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो वैसे ही प्रांस यानी आगे बढ़ते रहेंगे बिना किसी डर के अपना सर ऊंचे किए बिना किसी अब, के खौफ के बोल्डनेस के साथ में करज के साथ में ब्रेवरी के साथ में आंट जेनिफर की आर्ट प्रिवेल करेगी पर उनके साथ में प्रिवेल करेगी आंट जेनिफर की अनफुलफिल्ड डिजायर्स आंट जेनिफर की अनफुलफिल्ड डिजायर्स उनकी ऐसी डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हो पाई उनके जीते जी क्योंकि वो टाइगर्स उनके उन अनफुलफिल्ड उन डिज़ायर्स की कहानी कहेंगे वो टाइगर्स हमें बताएंगे कि आंट कैसे फ्री होना चाहती थी वो कैसे अपनी आइडेंटिटी लेना चाहती थी अपने डिसीजनस खुद लेना चाहती थी वो नहीं सप्रेस होकर रहना चाहती थी वो नहीं अप्रेस होकर रहना चाहती थी ये टाइगर्स जब तक प्रिवेल करेंगे तब तक आंट जेनेफर की वो डिज़ायर्स जो कभी पूरी नहीं हो पाई प्रिवेल करती रहेंगी एक पेट्रियाकल सोसाइटी में ऐसा ही होता है ऑल राइट right, इसके साथ में कंप्लीट हो गया है जी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी ड्राइव में डाले हुए हैं मेरी जान ड्राइव में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़ इसके साथ आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंप्लीट हो चुका है आपकी सारी पोर्म्स कंप्लीट हो चुकी है आंट जेनिफर्स टाइगर्स का प्रोमिनेंट प्रोमिनेट लिटरीवाइस एलिट्रेशन है फिंगर्स फ्लटरिंग में फ फ रिपीट हो रहा है प्रांसिंग प्राउड में प्र प्रा का का साउंड रिपीट हो रहा है ये साउंड का जो रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का जो रेपिटेशन है इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं एलिट्रेशन यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ कंप्लीट हो गया है हमारा फ्लेमिंगो पोये ट्री ये ऑलराइट right, मजा आया यार आप लोगों के साथ में आज और अब रही बात इस पीडीएफ की बाकी सारे पीडीएफ्स की सारे पीवाईक्यू उसकी वो सबके लिए मैंने एक ड्राइव का लिंक बनाया है क्योंकि मुझे पता था तुम लोग इधर-उधर भटकते जा रहे हो और अब वो टाइम नहीं है कि तुम्हें इधर भेजा जाए उधर भेजा जाए ऐसे-वैसे तो इसीलिए एक तो ऊपर आपको दिखेगा मेरा कम्युनिटी का लिंक पिन है तो आप अड्डा पे मेरी जो कम्युनिटी है वहां पर जाकर भी उस ड्राइव के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं आपको मेरे टेलीग्राम पे भी वो ड्राइव का लिंक मिल जाएगा अड्डा के टेलीग्राम पे भी वो मिल जाएगा वहां पर बस लिंक पे क्लिक करके उसे सेव कर लो और वहां से जो तुम्हें डाउनलोड करना है जो तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ते रहो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पचासों सौ पी के साथ में स्पैम कर दूँ तो मैंने सारे वहां डाल दिए हैं वहां सब मौजूद है तुम वहां से देखते जाओ और पढ़ते जाओ ठीक है ठीक ऑल राइट तो आज की क्लास तो हो गई है डन अब हम कल मिलने वाले हैं एक बजे तो कल हम मिलेंगे दोपहर में एक बजे और कल हम करने वाले हैं विस्तार कंप्लीट तो कल हम विस्तार कंप्लीट करेंगे छह चैप्टर विस्तार में आ रहे हैं मस्त तरीके से चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे मजा आएगा आपको पढ़ के जरूर आइएगा एक बजे सेशन शायद ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है तो जरूर नोटिफाई मी पे क्लिक करके और आ जाना भूलना मत ठीक है ओके ओके ऑल राइट देन आप रोज कराएंगे कल 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 थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आप आए आपने मेरा इतना साथ दिया सारे के सारे बच्चों थैंक यू सो मच आज का सेशन बहुत अच्छा रहा कल भी हमें आग लगानी है कल भी आइएगा एक बजे ओके बाय बाय टेक केयर आई लव यू बाय